नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव एल्कोहल फिनॉल ईथर पे अपने विद्वान साथियों के साथ, और इसको पर्पज अपना जो है मेन उद्देश्य एनसीईआरटी को कनेक्ट करना, और आपको बताते रहेंगे कहां कहां पे कैसे। और यकीन मानिए दोस्तों, क्वेश्चन इस बार इसी टाइप से आने वाले हैं, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। इसलिए अच्छा स्कोर करना है, इसमें अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी बच्चों ने किया है, तो क्वेश्चन को अपने डील करेंगे, आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द की बातें बताएंगे कहाँ पे है ये, और अगर जो एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आते भी हैं तो वो कैसे बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है डियर, तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टॉपिक अपना है हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, बाय विच मेथड कैन ए लो कार्बन एल्केन बी फॉर्म्ड। ठीक है, किस विधि से एक कार्बन की एल्केन बनाई जा सकती, एक कार्बन कम की एल्केन बनाई जा सकती, क्वेश्चन ये है, किस विधि से एक कार्बन कम की एल्केन बनाई जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन है कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन ऑफ एल्केहलाइड, बी कार्बोक्सीकरण, और असंतुलित हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन आपके सामने आराम से हो गया, एक एक ऑप्शन को आपको डील करना है। कोल्बे विद्युत अपघटन, CH3CONa, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्या बना CH4, कैसे बना इस बारे में बात करते हैं अपने। देखो बेटा, तो एट एनोड, इस सारी बातों को आप नोट करना, आराम से आपके समझिए, चैप्टर से बात होगी। एट एनोड पहले तो हो गया CH3COONa, और इसको क्या लिख दिया CH3CO-Na+। अब बात करते हैं एट एनोड पे, तो CH3CO-, क्यों डियर, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहां क्या हो गया CH3CO फ्री रेडिकल माइनस CO2, CH3 फ्री रेडिकल, ये क्या है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहां क्या बन गया CH3CH3, ये बात तो हुआ, बोलो। अब यहां पे सुन लो पूरी बात, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड पे कौन सी गैस निकली CO2, इसी टाइप से कैथोड पे करेंगे हम लोग, ये बातें सुन लो, कैथोड पे तो H+ इलेक्ट्रॉन एरो हाफ H2, तो इसके बारे में पूरी बात जानकारी सुन लो। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सी गैस निकलती है CO2, कुछ पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ O2 निकाला है, उसके बारे में आप देखना जरूर। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस निकली CO2, और कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी H2, क्लियर। ठीक है डियर, अब बात सुनो, यहां पे एक बात और हो सकती है, CH3 फ्री रेडिकल है, और ये इसके साथ कंबाइंड होके यहां एक बहुत शानदार प्रोडक्ट एस्टर बनता है, और ये एस्टर कैसा बनेगा, कम मात्रा में बनेगा, कैसा बनेगा कम मात्रा में, तो अगर पूछा जाए कि साथ में और क्या बन सकता है तो एस्टर, ये आपकी ब्रीफ डिस्कशन होगी। ठीक है, अब बात इस पे, कैथोड पे कौन सी गैस हाइड्रोजन, तो इसलिए अपना ये आंसर हुआ नहीं। तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्या है, एल्किल हैलाइड का अपचयन। ठीक है, CH3Cl, ठीक है, LiAlS4 माइनस प्लस, और यहां से क्या जाएगा बेटा H-, यहां क्या बन गया CH4। ठीक है, एल्किल हैलाइड NaBH4 भी यहां ले सकते हैं, ZnH+ भी ले सकते हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा जो एनसीईआरटी से बात है तो उसको भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड से भी हमारा एक कार्बन कम नहीं हुआ। नेक्स्ट आता हमारा डी कार्बोक्सीकरण CH3COOH। पेन कॉपी हाथ में क्वेश्चन के बाद में, और थोड़ा सा इसको भगा के, और जानते हो तो उसको बहुत तेजी से करना है, NaOH CaO,
बोलो बेटा क्या हो जाएगा, CH4 क्या निकल गया, CO2। NaOHCO को क्या कहते हैं, सोडा लाइम, ठीक है ना, इसका 3:1 का रेशियो रहता है, ठीक है। अगली बात, CO का काम क्या है, NaOH को ड्राई रखना, बोलो। और इसमें देखो यहां कितने कार्बन थे, 1, 2, और यहां कितने कार्बन आए, 1, मतलब एक कार्बन की क्या हो गई, कमी हो गई, एक कार्बन कम हुआ, क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन इज द आंसर, ठीक है। नीचे कह रहा है बेटा, नीचे कह रहा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्या कह रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या किया, H2PT, इसमें भी बात सुनो क्योंकि ये भी है एनसीईआरटी में, तो ये कैसा एडिशन देता है, सिन एडिशन देता है। अगर जो कोई बात ऐसे डबल बॉन्ड है तो जो H लगेगा, जैसे सिंपल सी ये कहानी हो और यहां कर दें H2PD या H2 निकल या H2PD, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, HH ऐसे जुड़ेगा। फिर एक एनसीईआरटी लाइन सुनोगे, सुनो H2PT और H2PD ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन H2 निकल ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हाई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी रिएक्शन, कौन सा हाइड्रोजनेशन थोड़ी सी दिक्कत में है, डिफिकल्टी में होगी, H2PD आसानी से हो जाएगी, H2PT आसानी से हो जाएगी, H2 निकल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हुआ वो कौन हुआ, थर्ड, बोलो बेटा, ठीक है। चारों क्वेश्चन की बात होगी, चारों ऑप्शन की बात होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन फॉर्म मीथेन, बहुत शानदार, छोटी सी बात लेकिन ऑप्शन से जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। मीथेन, निम्नलिखित में कौन सी विधि मीथेन का निर्माण कर सकती है, बेटा पहला ऑप्शन है वुड्स रिएक्शन, CH3Cl Na ड्राई ईथर, याद आ रहा है Na ड्राई ईथर, ये भी जिक्र एनसीईआरटी में है इसका, CH3CH3, इसकी मैकेनिज्म क्लियर स्पष्ट नहीं है, अतः मुक्त मूलक और आयनिक दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये बात करी गई होगी। कोलबे विद्युत अपघटन को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो वुड्स अभिक्रिया से भी मीथेन नहीं बनाएंगे, कोलबे विद्युत अपघटन से भी मीथेन नहीं बनाएंगे, सोडियम प्रोपियोनेट, पहले तो इसका हेलो, इसको जानबूझ के नाम लिया है, कई बच्चों को अगर नाम में दिक्कत है तो ध्यान रखना, CH3CH2COONA क्या है, बीकार्बोक्सिलेशन, NaOHCO, सोडियम प्रोपियोनेट। अब क्या निकलेगा यहां से, Na2CO3, तो क्या हो जाएगा, CH3CH3, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखो, सोडियम एसीटेट, CH3 लिखा, COONA लिखा, और यहां पे फिर बीकार्बोक्सीकरण, NaOHCAO, ये तो निकल गया, बोलो क्लियर है। तो सोडियम एसीटेट के बीकार्बोक्सीकरण से मीथेन बनता है, तो इसको हटाएं, आंसर क्या हो गया, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया से मीथेन नहीं बना सकते, कोलबे विद्युत अपघटन से मीथेन नहीं बना सकते, सोडियम प्रोपियोनेट से क्या बना था, CH3CH2COONA, Na2CO3 निकल गया, इथेन बन गया, इससे क्या बन जाएगा, मीथेन, क्लियर। नेक्स्ट चलें, बहुत बेहतरीन बात, फिर कौन सा कथन असत्य है, एल्केन लगभग अधूरी अणु, बिल्कुल सही बात है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है, इसको नोट कर लो, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, सही बात है, ये लाइन भी ध्यान रखना, जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। आणविक आकार अथवा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ उनके अंतरा आणविक वांडर वाल बढ़ते हैं, यहां घटते हैं, लिख लो ये लाइन, लिखो पहले, बढ़ते हैं,
तभी तो इससे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के समानुपाती, शाखा के व्युत्क्रमानुपाती, यही वो लाइन है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सही के लिए, यहाँ क्या पूछा है, असत्य पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम सत्य के लिए अपने कॉपी में लिखना कि आणविक आकार अथवा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनके अंतराणविक वांडर बल बढ़ते हैं, तब ये सत्य हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, असत्य। ध्रुवी पदार्थ ध्रुवी मिलाय को मिले, बिल्कुल सही बात है। तो हमें तो क्या पूछा है, असत्य, ठीक है। तो ये फिजिकल, हाँ यहाँ बातें फिर सुन लो। एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन। फिजिकल प्रॉपर्टी, छोटी छोटी बात, एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलिफिन, ठीक है, क्लियर। मीथेन, मार्स गैस, तो चलो ये सब बातें आती रहेंगी, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एल्केन निम्न में कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एल्केन निम्न में कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बात करें इसकी, जनरली की बात किया है तो याद करो CH4 और यहां पे X2 HNU करते थे, CH3X प्लस HX, ठीक है। तो मैकेनियन जो लिखते थे, देखना बेटा X है यहां HNU, तो X मुक्त मूलक, X फ्री रेडिकल, ठीक है। बोलो हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करी जा रही है कि दोनों बच्चे अपने ध्यान से क्वेश्चन आराम से देख लो, वीडियो का पॉज स्क्रीनशॉट लिया है, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर आपके पास दे दिया होगा, फिर वैसे भी क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ CH4X फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HX, अब क्या हो गया, X फ्री रेडिकल CH3X। हाँ सुनो, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से फ्री रेडिकल, एच न्यू की वजह से, और देखो एच हटके क्या लग रहा है, एक्स, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, क्या हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूशन, तो ये कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे और भी क्वेश्चन आगे आएंगे हम यहां फिर एक बार, क्योंकि जो इसमें लिख दिया गया उसको तो आपको आना ही चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर F2 Cl2 Br2 और I2 और एल्केन की रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लिख लिया। अब सुन बेटा, अब सुनो, F2 भाई इसमें क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल है, आंसर तो क्या हो गया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। अब देखना, ये एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया, यहां एल्केन है और इसमें F2 Cl2 Br2 I2, याद से सब बातें लिख लेना, 11, 12 दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, टारगेट के लिए तो है ही है, क्योंकि 11 ये पोर्शन आ गया, ये 12th आ गया, तो टारगेट के लिए बिल्कुल बेटर है। तो अब बात इसकी, अब एल्केन है, देखो F2 Cl2 Br2 I2, कमरा बंद है, अंधेरा है, देखा गया, तो एल्केन F2 के साथ बहुत ही विस्फोटक अभिक्रिया करी, ऐसी अभिक्रिया करी है कि प्रोडक्ट सारे बिखरे पड़े हैं, ऐसे प्रोडक्ट का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसमें क्या मिलाते हैं, इनर्ट गैस /N2, ठीक है ना। क्लोरीन एल्केन के साथ अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि उसको प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो देखा गया, तो केवल जब कमरा अंधेरा कमरा था, केवल F2 ने रिएक्शन किया, इन लोगों ने नहीं किया, फिर कमरा थोड़ा सा इसमें गैप किया गया, मतलब सनलाइट आ जाए, तो क्लोरीन ने रिएक्शन कर लिया, मतलब क्लोरीन एल्केन के साथ अंधेरे में रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि उसको प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर जो इसको डार्क में रिएक्शन करानी है तो ऑर्गेनिक परोक्साइड का यूज करना पड़ेगा, जो हाल क्लोरीन का वही ब्रोमीन का। आयोडीन ये रिएक्शन करती है लेकिन रुकने का फिर नाम नहीं लेती है, और इसको गर्म किया गया, बहुत धीमी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल, कैसी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, CH3I + HI, देख लो। अब इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, ऑक्सीकारक, कौन सा, HGO या HIO3 या HNO3,
इसका जिक्र एनसीईआरटी के हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में किया गया, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत बेहतरीन बात, पूरा मोटा मोटी बात सुन लो, एल्केन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो गया, रिएक्शन का जो क्रम है F2Cl2Br2I2, एल्केन का है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और F2 बहुत विस्फोटक रिएक्शन करती है इसमें, अक्रिय गैस इनर्ट गैस लेस नाइट्रोजन, क्लोरीन अंधेरे में एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करती है, आयोडीन एक रिवर्सिबल रिएक्शन देती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HGO HIO3 HNO3 मिलाते हैं, ये होल थ्योरी आपकी एनसीईआरटी की आपके पास पहुंच गई, आराम से पेपर कॉपी पे इसको लिखो, ठीक है। तो अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, एल्केन निम्न में कौन से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो H2O से मुक्त मूलक, और आगे H हट के क्या लग रहा है X, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन हॉल में आप ये, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये ज्यादातर होते हैं, ये कम का ही होता है, तो बच्चे जल्दीबाजी ना करना, उसमें आराम से पढ़ लेना कौन सा सत्य लिखा है क्या असत्य, इस चीज पे थोड़ा सा, ये छोटी छोटी बातें आपको, एक क्वेश्चन का मामला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है आजकल, खास करके इन 2 सालों में 3 सालों में इसका बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मेरिट ऊपर जाती है तो काउंसलिंग में बहुत दिक्कत आती है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन, अभी नेक्स्ट अभी बात करी थी इसलिए उसको लंबा हमने किया था, कि सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा, एफ टू, फिर ये गलत है, इसको आप एल्केन को ओलिफिन भी कहते हैं, गलत है, यहां कर लो F2Cl2Br2 और ये Cl2Br2 F2Cl2Br2I2। अब ये सही होगा, क्योंकि ज्यादातर गलत एल्केन ओलिफिन कहते हैं, ये गलत चीज है, एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन, इसको तुम सही कर लेना, F2Cl2Br2I2, ठीक है। अब यहां पे है, एल्केन आर जनरली इनर्ट टुवर्ड एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अम्ल क्षार ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यता निष्क्रिय है, सामान्यता वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, जैसे KMnO4 सिंपल सी कहानी, इसमें थर्ड ऑप्शन देख लो, यह भी एनसीईआरटी की चीज है, KMnO4 है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन यही टर्शरी है और KMnO4 के साथ एनसीईआरटी की लाइन बहुत बेहतरीन, क्या करेगा, करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना देगा, सीधा क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो अगर तुमसे कहा जाए 1 2 3 4 5 1 2, एक कार्बन हम कम कर देते हैं या फिर इसी को ले लेते हैं, ये है 1 2 3 4, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे विभेदित करेंगे, तो उसके लिए हमारा बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है, KMnO4, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो जनरली ये रिएक्शन नहीं करते, इसलिए सामान्यता लिखा है। वुड्स अभिक्रिया का उपयोग सम कार्बन इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले उच्चतर एल्केन के बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसको तो हमने फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, तो क्रियाशीलता सही है, एल्केन को ओलिफिन कहते हैं, ये बात क्या है, गलत है, हमसे असत्य पूछा है, तो आंसर इसमें क्या हो गया, सेकंड, ठीक है ना, इसमें आ जाए। अब बात कर लोगे, ये एक लाइन नोट करो तुरंत, नॉर्मली एल्केन है, एल्केन KMnO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इन सब से रिएक्शन जनरली नहीं करता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की थी इसलिए हमने यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपोन को बनाने के लिए अम्ल के सोडियम, किस अम्ल के सोडियम लोन की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रोपेन बनाना है, पहला लिया हमने इथेनोइक एसिड, दूसरा लिया प्रोपेनोइक एसिड, तीसरा ब्यूटेनोइक एसिड, चौथा है पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब आप देखो क्या बनाना है, प्रोपेन, अगर इसमें NaOH CO, सब में हम सोडा लाइम डालेंगे बेटा, सब में हम क्या डालेंगे,
सोडा लाइम, तो ये क्या बन गया CH4। यहां डालोगे वही चीज, क्या बन गया CH3 CH3। यहां डालेंगे वही चीज CH3 CH2 CH3। और यहां डालेंगे वही चीज तो CH3 CH2 CH2 CH3। पहले तो लिख लो आराम से, इसमें क्या बटर बना क्या, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो प्रोपेन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हेलो यस ब्यूटेन एंड एसिड, बोलो डियर सही बात, ऑप्शन ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओ कंट्रोल ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में दिया लिखा हुआ है एल्केन चैप्टर में, वो सीधे आपके तक पहुंचाया गया, बहुत उभू क्वेश्चन। CH4O2 इसको आप कॉपी में लिखाया होगा, नियंत्रित तो ऑक्सीकरण कंट्रोल ऑक्सीडेशन के नाम से इसकी बात करी गई होगी, ठीक है। CH4O2Cu हाई टेम्परेचर प्रेशर क्या बन गया, मेथेनॉल, ठीक है। CH4O2 MO2O3 मेथेनॉल सही है। CH3 अभी बात करी, इसलिए जो हमने कहा था ना कहीं कहीं क्वेश्चन से आ जाएगा, इसलिए वहां पे इसकी जिक्र करी थी, जो लाइन है उसके कनेक्ट करके कैसे कैसे आपको कुछ बात तो यही है उसको कैसे उस टाइप से भी लैंग्वेज यूज कर सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट से भी। और ये तो ये था, तो नॉर्मली इससे तो क्या बनेगा संगत एल्कोहल करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, लेकिन नॉर्मल अभी एन-ब्यूटेन है, इसकी KNO4 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन ये भी सही है एस्टिक एसिड। तो सुनो दर अलग से ये भी आ सकते हैं, इसमें कौन सी गलत है, यहाँ देखो क्या बना दिया कीटोन, तो ये बात क्या है गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है गलत बेटा, कर लोगे नेक्स्ट बात चलते हैं, इसके हो जाएंगे काम। देखो एल्केन की हेलोजन F2Cl2Br2I2, बात देख रहे हो। अब जब एक बार हमने पूरी इसकी थ्योरी पढ़ा दी तो कोई क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। Br2I2 F2 F2 Cl2 Br2 I2, एक बार थ्योरी बता दी उसकी आप कॉपी में। अरे बेहतरीन, फिर जिंक और तंग HCl के साथ एल्किलहैलाइड का अपचयन का बढ़ता क्रम, यहां देखो जब NCERT ने इसको उठाया है सीधे कैसे किया है, पहले इसके बात करते हैं थोड़ी सी। यहां लिखा CH3Cl, नीट में आ चुका भी है ये क्वेश्चन इस टाइप का, ZnH+ क्या बना CH4, मैकेनिज्म Zn एरो Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन CH3Cl माइनस और ये प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां क्या हो गया CH3-, अब क्या करेगा H+, क्या बन गया CH4, क्या बन गया CH4, देख रहे हो क्या बन गया CH4, ये बात हुई। अब देखो NCERT ने क्या लिखा है, लाइन लिखा है जब हैलाइड ब्रेकर में लिख दिया है एल्किल फ्लोराइड को छोड़कर, मतलब RF की इसके साथ रिडक्शन नहीं होगी जनरली, ठीक है। कोई बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर ऐसा कुछ उसमें कंट्रोल वगैरह ना किया गया हो तो वो रिएक्शन नहीं, तो RF वाली रिएक्शन ये नहीं होती, तो RI RBR RCl यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन ना, तो इसमें कौन सा होगा RI RBR RCl, RF का जनरली होता नहीं, लेकिन अगर ऑर्डर में दिया जाता तो आप RI RBR RCl RF कर देते, ठीक है बोलो चले। तो ध्यान से फिर सुन लो, CH3F का अपचयन नहीं होगा, ऐसे पूछ दे कौन सा हैलाइड, अगर सीधे लिख देता, अब ये तो क्रम पूछ लिया कौन सा हैलाइड का अपचयन नहीं होगा, RI RBR RCl RF, तो RF को आंसर बताते हैं, सही है बिल्कुल। प्रोपेन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है, प्रोपेन के साथ कौन सा होगा HI HBR HCl HF,
तो प्रोपेन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता बता दी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा, एच आई एच बी आर एच सी एल। क्लियर, अब बात सुनो अगला। अब इसमें देखो कॉलम मैचिंग की बात करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम मैचिंग। बेंजीन है सीएल टू ए एल सी एल थ्री है, बेंजीन है सी एस थ्री ए एल सी एल थ्री है, बेंजीन है सी एस थ्री सी ओ सी एल है, टोलवीन है सिंपल के ओनो फोर। एक एक को यहां उठाएंगे, पहले बेंजीन सी एल टू एल सी एल थ्री, बेंजीन सी एस थ्री सी एल, बेंजीन है सी एल टू ए एल सी एल थ्री, सी एल टू प्लस ए एल सी एल थ्री क्या हुआ, सी एल प्लस प्लस ए एल सी एल फोर माइनस। ठीक है, ठीक, जो यहां सी एल करते हैं, हाँ सी एल प्लस और यहां क्या है माइनस एच प्लस। बोलो क्लियर है ये बात, तो बेंजीन से क्या हो गया, बेंजीन पे सी एल आ गया। नेक्स्ट, अगर इसी को ऐसे होता बेंजीन सी एस थ्री सी एल ए एल सी एल थ्री, देख रहे हो फ्रिडल, हाँ नाम क्या है इसका, फ्रिडल ट्रा एल्काइलेशन, नाम से ध्यान रखना। तो सी एस थ्री प्लस या निकला सी एस थ्री प्लस, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया सी एस थ्री, जैसे सी एल टू एल सी एल थ्री, तो सी एल प्लस ए एल सी एल फोर माइनस, इसमें सी एस थ्री प्लस ए एल सी एल फोर माइनस। अब इसी की रिएक्शन किसके साथ कही गई है, सी एस थ्री सी ओ सी एल AlCl3। अब AlCl4 माइनस निकल गया, ऊपर क्या आ गया COCS3, COCS3, ठीक है, बोलो ठीक है। और एक है ऐसे, ये हो गया। अब देखो एक है बेंजीन है ऊपर CH3, एक बात सुनना, बेंजीन ऊपर कोई एल्किल ग्रुप हो, ये हो ये हो, हाँ कुछ भी हो, इनकी के एम टर्सरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होना, के ओनो फोर के साथ रिएक्शन करोगे क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा बेंजोइक एसिड। ये एक आपने बता दिया, ये बहुत ही फेवरेट है एनसीईआरटी, क्योंकि ये है चैप्टर में। तो बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप हो बेटा, ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो KNO4 के साथ, लेकिन बसते हाँ ये होगा तो नहीं बनेगा, ऐसा होगा तो ये नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन हो कैसा भी ग्रुप हो, ये भी हो लो, देख रहे हो कुछ भी बना दे हमें, कार्बन है सभी, उसकी KNO4 के साथ क्या बनेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेंजीन CL2 क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, तो फर्स्ट का क्या हो गया डी, बेंजीन CL3 क्या बनेगा टोलवीन, इसके साथ ये, और टोलवीन है ना KNO4 के साथ क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट का क्या है डी, ठीक, फर्स्ट का डी, सेकंड का क्या है बेटा, सेकंड का टोलवीन सी, ठीक है, या और थर्ड का क्या है बी मेथिल फेनिलकीनोन, और फोर्थ का क्या हो गया ए बेंजोइक एसिड। ठीक है, सेकंड का बी, देखना आंसर टिक लगाने में कहीं अपने ध्यान रखना कुल कूल होके, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। ये फिर देख रहे हो, ऐसा भी क्वेश्चन जान बुझ के पेपर देख के इसकी योजना बनाई गई है कि कैसे कैसे दिया गया, डबल बॉन्ड दे दिया एस टू कर दिया, आगे पूछा कि कौन सी रिएक्शन है, एडिशन है सब्स्टिट्यूशन है, सी एच फोर कर दिया सी एल टू एच न्यू, पूछा गया कौन सी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन है,
तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं डियर, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। ये सिंपल है, CH3CH2, ठीक है, H2O, फिर CH2 डबल बॉन्ड, CH2 H2PT, फिर Cl2 CCl4, फिर Cu, FeCu ट्यूब, हो सकता है FeCu भी हीट हो सकता है। ये है आपका रिएक्शन, ये है आपका रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, तो बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है। H2O के साथ जो रिएक्शन है, तो फर्स्ट क्या हो रहा है, ये H2O है, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। ये क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। भाई H2O है तो क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। H2 ये रिड्यूस हो रहा है और इस पर लग क्या रहा है, H2SH लग रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, हाइड्रोजनेशन। बिल्कुल सही, ये कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। देखो इन सब क्वेश्चनों के साथ, देखो चारों तरफ दुनिया में इधर उधर अफरा तफरी है, खुश रहो, खूब पढ़ो, जितना पढ़ सको, सो खाओ, बस मस्त रहो। आप रेगुलर 6-8 घंटे अपने कंटिन्यूटी में रहो, बस सेलेक्ट। इस बार टाइम ही तुम लोगों का है, इस बार टाइम अपना ही है, समझ गए, तो उसी हिसाब से बात करनी है। तो ये हो गया हाइड्रेशन, तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया बी, सेकेंड क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन ए, थर्ड क्या हो गया, थर्ड हैलोजनेशन हो गया बी, है ना, हैलोजनेशन। फोर्थ, फोर्थ क्या हो रहा है, फोर्थ का पॉलीमराइजेशन, कौन सी रिएक्शन हो रही है, पॉलीमराइज, हेलो याद दिला दें, चलो पहले हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, फोर। अब इस पर कुछ बात याद दिला दें, इधर देखो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच हो गया, अगर यही ऐसे ले लेते सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एफ ई रेड हॉट ट्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन, क्या बनेगा, मेसिटिलीन, क्लियर। अगर यही बात लो एफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एन आई सी एन फोर, याद करना, तो चार मोल इसको लेते हैं, ये भी पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं आप, तो इसका क्या होगा, बोलो सही है, नेक्स्ट चले, तो ये ध्यान रखना, हाँ ये हेलो, इसके इसमें रेजोनेंस है, नहीं है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होता है, लेकिन साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, याद आ गया, शाबाश, बाथटब। देखो अब वो तुम्हें सामने हो तो क्लास की वो बातें याद होती होगी, वो बाथटब का स्ट्रक्चर हो गया, ये असमतली नॉन प्लेनर हो गया, इस वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं है बेटा, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, हो गया आंसर इसका, फोर हो गया। आगे चलते हैं, दिए गए यौगिक में कौन से अमोनिया कृत AgNO3 द्वारा विभेदित किया जा सकता है। देखो यहां ये भी एनसीईआरटी में है, दो के बारे में जिक्र किया गया है, अमोनिकल AgNO3 एंड Cu2Cl2 NH4OH, ये दोनों टर्नरी एल्काइन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन नॉन टर्नरी एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देता है। अगर जो इसकी है बात, तो ये रिएक्शन इसके साथ कर लेगा, Cu2Cl2 NH4OH के साथ कर लेगा, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दौर इसी चीज का चल रहा है, आना है, ध्यान रखना बेटा, कोई भी आलतू अफरा तफरी वाला काम नहीं करना है, मेरिट फिर जाएगी, क्वेश्चन फिर नॉर्मल आएंगे, एनसीईआरटी ओरिएंटेड आएंगे, और छोटी छोटी गलती कराएगा, कोई ज्यादा उसमें लफड़ा नहीं होगा। लेकिन अब यहां देखो किसमें है, विभेदित किया जा सकता है किस यौगिकों को, अमोनिक, देखो एसिटिलीन, एसिटिलीन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, औरों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, वन पेंटाइन टू पेंटाइन में कैसे डिस्टिंग्विश अमोनिकल AgNO3 और Cu2Cl2NH4OH भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्वथनांक, क्वथनांक अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। शाखा के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन पहला ऑप्शन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइसो ऑक्टेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एन ब्यूटेन, ये ना सबसे अधिक अणुभार किसका है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठ कार्बन 8 और ये 4 कार्बन। हाँ लिखो, हेलो जिसको पता है वीडियो भगा के देखो, आराम से गो थ्रू हो जाओ कि हाँ चैप्टर पूरा चल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम देन बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, वेरी गुड। तो यहां सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? इसकी। तो हमसे तो बस यही पूछा है, तो ये आंसर कर दिया। हाँ क्वेश्चन कौन, आंसर कौन सा होगा बेटा इसमें? 4। और ऑर्डर की बात करी तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फोर्थ सबसे लास्ट। बोलो नेक्स्ट चलते हैं बात। वाह, कार्बाइड की बात करें। हेलो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाटर वेपर्स आर पास्ड ओवर एल्युमिनियम कार्बाइड वी गेट, चार कार्बाइड जनरली जिक्र किया जाता है नीट लेवल में, एल्युमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड गिव्स मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड गिव्स मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड गिव्स एसिटिलीन एंड मैग्नीशियम कार्बाइड गिव्स प्रोपाइन। ओके डियर, तो यहां पे कौन है? एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3H2O CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस। बोलो सही है, तो क्या दे दे रहा है ये? मीथेन। इसी क्वेश्चन में चार क्वेश्चन बन सकते हैं। बेरिलियम कार्बाइड कह देता मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन और मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन। ठीक है, बोलो देख लो, कर लोगे? हो गया, तो आंसर इसका कौन सा हो गया बेटा? थर्ड। नेक्स्ट चलें, सोडियम प्रोपियोनेट और सोडा लाइम के मिक्सर से बनाया जाता है। सोडियम प्रोपियोनेट लिखो पहले, CH3CH2COONA NaOHCaO देख लो, सोडियम प्रोपियोनेट पहले लिख लिया, NaOHCO लिखा, तो यहां से Na2CO3 निकल गया, यहां क्या बन गया बेटा? इथेन। बोलो नेक्स्ट। हाँ फिर इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन से देखते हैं क्योंकि अब इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हीटिंग सोडा लाइम विद सोडियम एसीटेट, पहला ऑप्शन है CH3CONa NaOHCaO, क्या बन जाएगा बेटा? मीथेन बन जाएगा। नहीं हुआ, यह आंसर नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONa इलेक्ट्रोलिसिस है, तो देखिए इसको हम, इसको ये क्या हो गया माइनस और Na प्लस, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो CH3CO, शुरुआत नहीं सबने करी थी, फ्री रेडिकल माइनस CO2 CH3 फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इतना अधिक रिएक्टिव है कि कोई दूसरा ना हो तो खुद के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पे CH3 खुद के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? इथेन। तो ये क्या हो गया आंसर, इथेन ही बनाना अपने को। ठीक है, कर लोगे?
नेक्स्ट चलें इधर आ जाओ। अब बात सुनो, हेलो बेहतर बात, फिर बेहतर बात बेटा, फिर हेलो इधर आ जाओ। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एलके। यहां ध्यान से सुनना राइट। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लिया हुआ क्वेश्चन है कि एग्जाम से ही। अब यहां पे भाई एग्जामिनर को ये कहना चाहिए कि इफ वन एलके हैलाइड गिव्स देन वुड्स रिएक्ट। अगर जो दो एलके हैलाइड दिया गया और नॉर्मल कुछ नहीं लिखा तो हम वन एलके हैलाइड ही मान के चलेंगे। इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया, चाहते तो अपने चेंज कर लेते लेकिन पेपर की ऐसी बातें आएंगी तो आप उसका बेस्ट आंसर क्रिएट करना आपको, ठीक है। क्या करना है? बेस्ट आंसर। मीथेन को तो बना ही नहीं सकते, सिमेट्रिकल एल्केन बना, साइक्लिक एल्केन ओनली, ये गलत बात। साइक्लिक के साइक्लिक दोनों बनते हैं। अगर एक हैलाइड है, एक हैलाइड है, वन हैलाइड है, तो उसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगा। जैसे CH3Cl लिया बेटा ना, तो CH3 हो जाएगा, C2H5Cl लिया तो ब्यूटेन बन जाएगा, लेकिन दो हैलाइड लिया तब अनसिमेट्रिकल एल्केन बन सकता है। तो इसमें नॉर्मली बात करी गई है तो आपको क्या आंसर देना है? सिमेट्रिकल। ये तो ऐसे तो बहुत सारे पेज हैं, इसलिए बेस्ट आंसर आपको उसमें चूज करना है, ठीक है डियर। तो सिमेट्रिकल एल्केन जनरली वन हैलाइड के लिए बात होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि जनरली बात किसकी हो रही बेटा, वन हैलाइड की ही बात हो रही। बोलो सही है, ठीक है, आगे चलते हैं बात। निम्न में किस अवकर्मक द्वारा इथाइलीन एसिटिलीन को अलग किया सकता है? फिर वही कौन से वही? हाँ सर, टर्नोएल्काइन और एल्कीन हो, या टर्नोएल्काइन या नॉन टर्नोएल्काइन, क्यों बेटा? सही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एल्काइन के साथ, एसिटिलीन के साथ ये प्रिसिपिटेट देगा और इथाइलीन के साथ प्रिसिपिटेट नहीं देगा, ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट चलें। हाँ 20 ब्यूटोनोइक अम्ल सोडियम कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्यूटोनोइक CH3CH2CH2COOH और इसकी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो CO के होता, ठीक है ना, यहां से निकाला और फ्री रेडिकल बनाया, क्या हो गया? CH3CH2CH2 फ्री रेडिकल। अब इसको भी हमें मेन आंसर की बात करना है, मेजर प्रोडक्ट, ये नहीं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन से लोअर एल्कीन अगर जो किसी को कॉपी याद होगी तो ये बात भी कह सकता है, लेकिन हमें तो इसका बेस्ट आंसर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 मुक्त मूलक इतना अधिक क्रियाशील है कि कोई दूसरा ना मिले तो खुद के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों डियर? नेक्स्ट चलें इधर 21, ठीक है 21। HBr की एक मोल अभिक्रिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ करवाने पर मुख्य उत्पाद। अब यहां पे हेलो तुरंत स्टार बनाओ और बात 1,3 ब्यूटाडाइन की हम कर दे रहे हैं। ये यहां कर दे रहे हैं लो टेम्परेचर और यहां कर दे रहे हैं हाई टेम्परेचर। बोलो, तो ये रूम टेम्परेचर से ऊपर है तो ये तो बात हमारी कह रहा है कि क्या बनाना है, हाई टेम्परेचर पे बात। 40 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या मानोगे? हाई टेम्परेचर। ये क्या मानोगे? हाई टेम्परेचर। ये किसके साथ रिएक्शन हो रही है? HBr के साथ। तो हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, प्लस और ये माइनस, तो यहां भी बन जाएगा एच और यहां बन जाएगा बी आर। तो 1 2 3 4 और ये कौन सा होगा? ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक उत्पाद, ऐसा भी कह सकते। अब ये देखो, हेलो अभी तक जो 20 क्वेश्चन में आया है, किसवे क्वेश्चन में अपने
ये थोड़ा सा टफ अगर जो पूछेगा तो ऐसी बात करेगा, वरना मुश्किल है। लो टेम्परेचर होता, लो टेम्परेचर तो यहां 1-2 एडिशन होता, तो सुन लो इधर थ्योरी, 1-2 एडिशन होगा, इसमें 1-4 एडिशन होगा, मतलब रेजोनेंस ये है ऐसे, ये बेटा ऐसे है, तो हमने क्या कर दिया यूं यूं, जो देता है उस पे प्लस, जो लेगा उस पे माइनस। ये कौन सा, ये कौन सा होगा, थर्मोडायनेमिकली, लिख लो थर्मोडायनेमिकली, ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद। बेटा दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे सफल हों, ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद, और ये 1-2 गतिक नियंत्रित उत्पाद, यहां लिख देना गतिक, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में ये देखे ऐसे पूछे कि गतिक नियंत्रित उत्पाद बनाइए तो 1-2 करना है, इसमें कहा जाए ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद बनाइए तो 1-4 करना है। हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे है क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड 25 रूम टेम्परेचर से अधिक है, तो ये हाई टेम्परेचर ही मान के चलेंगे। तो अपने मूल पे लिखिए पहले, सब बातें हो गई कहानी, बोलो ये कहानी बातें हो गई। मूल पे आते हैं, मूल कौन सा है, इसको डिलीट करते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ब्रोमो 2 ब्यूटी। बोलो बेटा, तो ये आपका एक बेहतर काम हुआ। हाँ डियर, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 22। कौन सा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस, निम्न में कौन सा जल अपघटन पर प्रोपाइन देता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये बताया गया आपको, एल्युमिनियम कार्बाइड, मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड, मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड, स्क्रीन, मैग्नीशियम कार्बाइड क्या होगा, प्रोपाइन देगा, Mg2C3 प्लस H2O क्या हो जाएगा, CH3C CH। ऐसे क्वेश्चन तो कई बार आए हैं, ऐसा भी कह दे कि कौन सा कार्बाइड, ध्यान देना कौन सा कार्बाइड टॉलेंस अभिक्रिया, टॉलेंस रिएजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस करके कौन से कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके प्रिसिपिटेट देगा, तो कौन कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बाइड होगा, और बेटा कौन सा होगा, मैग्नीशियम कार्बाइड। तो क्वेश्चन ऐसे ही ट्विस्ट होंगे, कोई बहुत अलग से आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी टाइप से ट्विस्ट होंगे। तो प्रोपाइन देगा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है डियर, बोलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन के भी आने की पॉसिबिलिटी है, आया हुआ है सिंपल से, इसमें कह रहा है 3-4-phenyl प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr, ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स एज मेजर प्रोडक्ट। तो पहले तो अपने लिख दें 3-phenyl प्रोपीन, ठीक है, CH2 CH double bond CH2, 1-2-3 3-phenyl प्रोपीन हो गया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, HBr। देख बेटा, एल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन कर देके पूछ ले कौन सी रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड पे अटैच हो रहा है एडिशन और इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहां हो गया बेंजीन CH2 CH plus CH3। अब देख बेटा कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री में तो जाएगा नहीं, लेकिन इधर जाएगा तो ये भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा डियर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। तो यहां हो गया CH plus CH2 CH3, आगे क्या करोगे, Br माइनस CH Br CH2 CH3। रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऐसे आपको HBr HCl 2 डिग्री से 3 डिग्री ऐसी बात करेगी, HOCl याद करो, HOCl कैसे डिसोसिएट होता था, HO-Cl+, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो वो पहले अटैक करे तो उसमें रीअरेंजमेंट डियर नहीं होगा। HOCl NOCl की बात करी गई थी, HOCl का डिसोसिएशन HO-Cl+, पहले कौन अटैक करेगा, Cl+, तो इसमें जो बनेगा, हाँ ये तो हो गया, इसमें आंसर कौन सा होगा, रुक जाओ,
आंसर कौन सा हो बेटा? सेकंड। आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी, मान लो यही क्वेश्चन होता और CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन करते HOCl, पहले अपने आप में क्वेश्चन है कि ये कैसा होगा HO माइनस Cl प्लस, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहां अटैक करेंगे जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। NOCl होता तो NOCl का डिसोसिएशन NO प्लस Cl माइनस। अब जानबूझ के बात बताई जा रही है कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नीड के सिलेबस में है, हो सकता है HOCl NOCl का ही नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू PMT में एक बार आ चुका है इसलिए अपने इसको बताना जरूरी था। तो ये भी मार्कोनी का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के क्रॉस यहां चले जाएगा OH, यहां Cl, NO plus Cl minus Cl और यहां NO। ठीक है दिया? बोलो। इसीलिए इधर उधर की बात थोड़ी बहुत अपने कर रहे हैं जानबूझ के कि आप इस पे कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है ना, कि ऐसा भी कुछ आ सकता है। वन मोल, अगला क्वेश्चन नंबर 24, वन मोल ऑफ ए सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोसिस गिव्स टू मोल ऑफ एन aldehyde having a molecular mass of 44 mu, the alkene is, अब ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक है, पहला इथीन है, आराम से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस किया O3 Zn H2O, डबल बॉन्ड तोड़ा, अरे काटा और क्या लगाया O, तो CH2 O CH2 O, बोलो 12 दो 14 16 30 नहीं, अपने क्या चाहिए 44 प्रोपीन, इसको कराया तो दो मोल तो बनेंगे नहीं, इधर से काट दिया ओ ओ, इधर क्या हुआ बेटा CH2O और इधर क्या हुआ CH3CHO, सवाल ही नहीं कोई। वन ब्यूटीन, वन ब्यूटीन को काटा, काटा ओ लगाया, ये अलग है ये अलग है, अपने को क्या कह रहा है टू मोल एल्डिहाइड, तो ये सेम नहीं है, फिर इसको डिलीट मारते हैं। अब देखो टू ब्यूटीन CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, देख लो डियर यहां हो गया वही O3ZN और H2O, अब इसको काटा O लगाया, देखो क्या बनता है CH3CHO CH3CHO, 12 12 24 24 चार 28 28 दो भाई 24, 16 और 4, 6, 4, 10 आ गया ना 44, देखो यही कह रहा है, बोलो बेटा कर लोगे? नेक्स्ट चलें। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन ए सैचुरेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्जेक्टेड टू, अब यहां थोड़ा सी बात, एल्कीन बनाना है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, अब पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन होगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा सॉल्ट ये करते थे, याद करो CH CH CO OH CO OH CO OH इसकी सॉल्ट बना लेंगे, तो सॉल्ट बनाएंगे तो यहां क्या आएगा बेटा COOK COOK, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ये निकला यहां ये निकला यहां, क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये कौन सी रिएक्शन है? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सी बेटा? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, बोलो ठीक है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी पकड़नी भाई। चले नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एल्कीन लेगा, इसकी आप जैसे हाइड्रोकार्बन एल्कीन पढ़ा, फर्स्ट रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक के साथ जो अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? एल्कीन। अब दिमाग में आपके अम्लीय हाइड्रोजन ROH है, RCOH है, ये सब क्या है? अम्लीय हाइड्रोजन RSO3H है, CH3MgCl, किसी के साथ रिएक्शन करो, यहां प्लस और यहां माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन जाएगा? CHO, ठीक है ना, तो इसमें एल्केन, हम आगे कुछ और लेते C2H5MgCl लेते बेटा, तो क्या होता C2H6, तो इसमें कौन सा है? ये तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, इसमें नहीं,
ये होगा, यहाँ सीमांत एल्काइन होता तो भी हो जाता, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी होता बेटा तो भी हो जाता। बोलो, ये सब अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। बोलो बेटा, ठीक है, नेक्स्ट चलें। 27, बहुत जोरदार क्वेश्चन, ये भी आगे भी इसके बारे में बात है एक जगह। H2PDC चारकोल, बहुत बेहतरीन चारकोल। लिंडलार कैटलिस्ट का नाम सुना? H2PDBSO4, H2PDCaCO3, H2PDC, इसको भी लिंडलार में कैटेगरी में डाल दो। क्यूनोलीन ये भी आ जाए, तो ये हो गया बर्च रिएक्शन। अब सुन लो, चलो थ्योरी लिखो। जब एल्काइन की रिएक्शन किससे हो? लिंडलार कैटलिस्ट होगी तो क्या बनेगा? सिस एल्कीन। और एन लिक्विड एन S3 के साथ होगी तो क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहां H2PDC और यहां Na लिक्विड NH3, क्या बन गया? सिस एल्कीन। क्या बन गया? ट्रांस एल्कीन। बोलो, अब यहां एक ध्यान रखना, हो सकता है ऐसे दे दे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां लिंडार कैटलिस्ट दे दे H2PDBSO4। तो H2PD, ये तो भी सिस में चेंज करेगा, ये तो लिख दिया, लेकिन ये वाली मैटर दे दे तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेगा, वो भी कैसा? सिस। ठीक है, इसके लिए अलग से लिख दिया हमने ये H2PDBSO4। ठीक है, बोलो, तो इधर आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चन हमारा देखो, सिंपल सी कहानी है, ट्रिपल बॉन्ड है H2PD, यहां क्या बनेगा? सिस एल्कीन। यहां क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेंगे, H2PDC है, क्या बनेगा? सिस ट्रांस। यहां दोनों देखो, सिस सिस है, ए सिस बी ट्रांस, ये क्या हो गया हमारा आंसर। काफी तर लोगों ने सही किया होगा इसको। अच्छा है बस, ये देखो, एल्काइन निम्न में कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? Which of the following property does not alkyne does not exhibit? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिल्कुल करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्केन, वो तो है नहीं। एस्टीन हैज गार्लिक लाइक स्मेल, एस्टीन में लहसुन जैसी गंध आती है, एसिटिलीन में लहसुन जैसी गंध आती है, ये बात सही, ठीक है। एल्काइन, ये भी बात सही है, हमें क्या पूछा गया? नॉट एग्जिबिट, एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड, ये बात गलत, ये बात गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर वही लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से नहीं, योगात्मक अभिक्रिया का जो क्रम होता है बेटा, एल्कीन एल्काइन एल्केन। ठीक है, क्लियर कट। यहां एस्टीन की कैसी सुगंध आती है? लहसुन जैसी सुगंध आती है। एक बात और, एक जगह और कहीं क्वेश्चन होगा ये, देखो जितने एल्काइन है उसमें जनरली स्मेल नहीं आती है, एसिटीन में किस वजह से आती है? हेलो, यही लिख लो एक बार, दोबारा बोलेंगे, इसे ध्यान रखना। PS3 ASS3 और H2S की अशुद्धि के कारण, ये एक लाइन बढ़ा लो, PS3 ASS3 H2S की अशुद्धि के कारण एस्टीन में लहसुन जैसी गंध आती है, तो इसमें तो आंसर तो क्या हो गया? 4। ये एक लाइन बढ़ा दिया, हाँ पेन लेकर दम सेट कर दो काम। ठीक है, यहां आ जाओ, कंसंट्रेट H2SO4 एंड कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4, इसमें तो सिंपल देखो ये दे दिया, तो आपको क्या करना? हाइड्रेशन, H+OH-, ये भी कहां? हेलो, तुम्हें पता नहीं एनसीईआरटी की ऐसी सी लाइन उठाई गई है जिसको तुम्हें फिर अगर जो हो सके तो उसको एकदम मैच करना, ये एल्कीन में रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन, ये तो हाइड्रेशन है तो फेमस है, तो जानते हो मार्कोनी का, तो यहां जो ए जो बन जाएगा, ए मार्कोनी का CH3CHOHCH3, बी में बी एनसीईआरटी की, ये कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4, इसमें हाइड्रेशन डाइल्यूशन की बात नहीं की गई है,
तो इसमें जो लगेगा CH3 ये वाली बात लगेगी, देख रहे हो ना, H प्लस SO O SO H2SO4 है ना, O H प्लस OS, मार्कोनी का ऑफ लगा लेकिन यहां क्या लग गया SO3H, इस चीज को फोकस करना बेटा, देख रहे हो, तो आंसर क्या हो गया 4। अरे बात पकड़ पा रहे हो, यहां पे यहां तो हो गया H प्लस OH माइनस ऐड होगा किसमें, A में, A में क्या ऐड होगा H प्लस OH माइनस, OH माइनस क्या देगा H2, क्या देगा मार्कोनी का ऑफ, लेकिन यहां H प्लस प्लस SO3 माइनस H, याद रखो OSO3 जुड़ गया ना OSO3H, अरे H2SO4 है बोलो OSO3, H प्लस हो गया और SO4 ये माइनस, उसको ऐसे लिख दिया OSO3H। अरे बात पकड़ पा रहे हो क्या, एक बार और लिख रहा हूँ, इसकी रिएक्शन है ये वाली, अब बी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये तो सिंपल है मार्कोनी का एच प्लस ओ एच माइनस, इसमें एच टू एस ओ फोर है तो एच प्लस और प्लस ओ एस ओ थ्री एच, तभी तो एच टू एस ओ फोर हुआ। अब यहाँ मार्कोनी का यहाँ डबल बॉन्ड के क्रॉस, इसको यहाँ लगा दो, ये एच यहाँ लगा दिया, तो ये आपका आंसर, तो आंसर कौन सा होगा बेटा 4, कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें से भ्रमित नहीं होना है, इसको आराम से आपको काम करना है, और है कहाँ का एनसीईआरटी का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब रॉन्ग है, 1% एल्काइन क्लोरोफॉर इज नोन एज वेयर एजेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही, एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्शन, एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन गिव्स ओजोनाइट, बिल्कुल सही, CH2 डबल बॉन्ड CH2 O3 CH2 O CH2 CH2 CH2, बोल बेटा ये क्या हो गया ओजोनाइट। अब अगला, एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस इन फॉर्म ऑफ एसिटिलीन, बिल्कुल, हेलो एक बात सुनना, एसिटिलीन ऑक्सो एसिटिलीन के रूप में वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं, और एक बात और यहां नई इंफॉर्मेशन, एक और सुन लो, एक इंफॉर्मेशन, एसिटिलीन को नार्सलीन भी कहते हैं, नार्सलीन N A R C Y L E N, नार्सलीन क्या करता है, नार्सलीन आपका जब दांत में दर्द होता है ना, जब दांतों में दर्द होता है, पहले अब तो और भी कई मेडिसिन आ गए हैं, तो ये सामान्य निश्चेतक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, दांतों पर लगा दिया हाँ, तो वहां पे जीरो सेंटीमेंट हो जाएगा, फिर अपना वो जो भी उनके पास औजार है उससे उसको वो हिला के निकाल लेते हैं, समझ गए। तो एसिटिलीन किसमें यूज होता है, निश्चेतक एनेस्थेसिया में भी यूज होता है, एज जब उसका नाम उस समय उसके दौरान नाम क्या होगा नार्सलीन, ठीक है। अगला FeSO4 इज नोन, नहीं एक दो इंफॉर्मेशन यहां लिखना, FeSO4 प्लस H2O2 इसको कहते हैं फेंटोन रिएजेंट, एक इंफॉर्मेशन ये लिखो, FeSO4 प्लस H2O2 इज नोन एज फेंटोन रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, बेटा ये खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है सब, इसलिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं, पेन लेकर तुरंत जल्दी से लिख लिया, FeSO4 प्लस H2O2 इसको कहते हैं फेंटोन रिएजेंट, और एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl इसको क्या कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, तो इसमें आंसर क्या हुआ 4, गलत है ना ये, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट तो क्या है, ये है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, ठीक है डियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन, एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन, चार्ट से बनाया गया क्वेश्चन, इसमें देखो जनरली लोगों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, लोग कई लोग कहते हैं मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली, सिमेट्री के डायरेक्टली, लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, जो हाइड्रोकार्बन का जो चार्ट बना हुआ है जहां एल्केन एनसीईआरटी में, उसमें जैसे तुम चार्ट खोलोगे सबके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें तुम देखो 20 कार्बन के एल्केन हैं लेकिन फिर भी उसका मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन से कम है, क्योंकि नियोपेंटेन में क्या आती है सिमेट्री, पहले क्या देखोगे सिमेट्री, फिर देखोगे मॉलिक्यूलर वेट, और जनरली वन ब्रांच मेल्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं डिक्रीज,
तो नियोपेंटेन, यहां देखो हेप्टेन, 7 मॉलिक्यूलर वेट, बहुत अधिक मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन कार्बन 7 है इसमें, लेकिन यहां 5 कार्बन होने के बावजूद ये अधिक है। हां, एक बात हम अक्सर क्लासों में कहते हैं कि पहली बार जब क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड पेंटेन, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्डर हुआ, लिख लो। अगर अणुभार समान है तो सामान्यतः एक शाखा, वन ब्रांच डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम देन जनरली वन ब्रांच डिक्रीज मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां एन क्या लिखा है, आइसो, और ये हमने कहा 10 कार्बन हो, 8 कार्बन हो, 9, उससे भी अधिक होता है, उससे भी अधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या है, सिमेट्री है। ये बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है, जिस साल आएगा हंगामा खड़ा होगा और ये आपका ही सही होगा। बोलो कर लोगे? तो इसमें हाईएस्ट पूछा है तो नियोपेंटेन का हुआ, 10 कार्बन दिया था ना, यहां डेकेन देता तब भी आप किसको लिखते, नियोपेंटेन, ठीक है डियर। तो चार्ट को फिर आप एक बार रिकॉल करना, एक बार देखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अरे बेहतरीन, फिर हमने लिया एनसीईआरटी। लो ये पेज पलट पलट के पेपर बनाए गए हैं, एनसीईआरटी के पेज पलटा, उसमें से देखा कि हमारे बच्चों को क्या, कि हमारे बच्चे वहां देखेंगे, और ये बात हम तुमसे बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप ये जैसे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हम ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी यही बता देंगे, कहां पे है इस बात का भी जिक्र करेंगे, कहां है हैलोजन डेरिवेटिव, लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी, वहीं से उठा लिया गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा। दोनों की मेल्ट यहां और वहां उसमें खुद लिखा है कि दो चीजों को एक्सप्लेन करने में इससे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए डाटा वाइज आपको याद रखना पड़ेगा, फिर भी हम उसको बताते हैं। देखो वान डर वाल की वजह से मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, तो वान डर वाल बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा सबसे अधिक होगा ए, और सी और बी, फिर सी फिर बी, ठीक है, ड्यू टू वान डर वाल, ध्यान रखना। अब सुनो कैसे याद रखोगे, अगर ये तो हो गया किसका, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि यहां दो में एक्सप्लेनेशन थोड़ी दिक्कत है। अब आ गया मेल्टिंग पॉइंट, क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट, हेलो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री, अरे बहुत बेहतरीन मामला आ गया, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री में पहले कौन सा आ गया, सी, पैरा की वजह से क्या हो गया, सी। अब दोनों केसेस में बी का क्या होगा, कम होगा, तो ये आप याद रखोगे लॉन्ग टर्म पे बेटा, कि सिमेट्री की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री से ही आती है, तो पैरा सबसे अधिक और वंडर वाल इसमें हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो गई, तो ये ए इसमें सी अधिक, और दोनों केसेस में मेटा वाला क्या होगा, लास्ट। तो ये आपके लिए अलग, देखो बॉइलिंग पॉइंट हमने क्वेश्चन दिया, मेल्टिंग पॉइंट आप तक पहुंचाने की कोशिश की, ये एक बेहतर बात है। आप भी अगर पता नहीं तुरंत लिख लो कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, तुरंत लिखो, ये हो गया ड्यू टू वंडर वाल ड्यू टू सिमेट्री। इसमें देखोगे डाटा वाइज बहुत कम काम कराए, इसमें इसमें बहुत माइनर काम कर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है बेटा। अब अगला भी शानदार, हाँ ये भी सुन लो, हेलो ये भी आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी में पेपर कैसे बनाएंगे। जैसे आप निकालोगे हैलोजन डेरिवेटिव, जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी, एक चार्ट बनी होगी ऐसे, लाल पीला हरा नीला ऐसे करके बनाया गया होगा, है ना। अब उसमें बात सुनो, कमरे के तापमान पर कौन सी गैस है, कमरे के तापमान पर कौन सी गैस है, तो पहली लाइन ये लिखी गई है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये सब क्या है, गैस है, इसको तो आपको याद, अब सीधा आ जाएगा बेटा, हेलो कईयो एग्जाम में। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर जो पता नहीं है तो हम वहां पे उसको उबालना शुरू कर नहीं सकते, तो ये पहले से आपको ध्यान, ब्यूटाइल क्लोराइड ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो उसमें और एक दो लाइन, अब ये हमने तुम्हें क्यों बता रहे हैं, ये बता क्यों रहे हैं, क्यों बता रहे हैं बताओ, इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि आप उसके अलावा उसके इर्द गिर्द और क्वेश्चन बनाओ, और क्वेश्चन कुछ देखा, अच्छा इसमें ये है, ऐसा ये हो जाता है, हमने वहीं से देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के दो क्वेश्चन बनाए, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और आपको बता दिए, और आप उसमें देखना बेटा, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, इसमें आंसर ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया थर्ड, ठीक है बेटा, कर लोगे पढ़ोगे ना, हाँ। नेक्स्ट बेहतरीन पे, अब देखो बी आर टू यूवी लाइट, ये भी कहां से क्वेश्चन लिया है, जानबूझ के तुम्हारी एनसीईआरटी खंगाल देंगे। इंटेक्स में एक क्वेश्चन है इसी टाइप से, बी आर टू यूवी लाइट, ठीक है ना,
तो एक बात ध्यान रखना, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में, जैसे सिंपल सी एक कहानी उसको बता दें, मान लो बेटा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां हम करते Br2 यूवी लाइट या Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी हो यहाँ पे कंडीशन, वो हमारी होमोलिटिक फिशन वाली हो Br2, तो हमारे पास दो, या तो क्रिटिकल यहाँ बना के डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ लें, तो या तो ये आ जाएगा काम CH2CH डबल बॉन्ड CH2 या CH3CH क्रिटिकल CH3 यहाँ Br और फिर यहाँ Br, या तो डबल बॉन्ड पे ऐड कर दें या डबल बॉन्ड के बगल वाले हैलोजन से। लेकिन ये क्या है, रेजोनेंस में है, ये क्या है, रेजोनेंस में है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल एडिशन में किसको प्रायोरिटी देंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, इसलिए इसलिए क्योंकि यहां पे क्या बन गया, रेजोनेंस बन गया, यहां क्या बन गया, रेजोनेंस बन गया, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को, मतलब हेलो क्वेश्चन बैक जाते हैं, ये तो एक इंफॉर्मेशन दिया आपको। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में, हेलो कई बच्चों के दिमाग में बनेगा कि सर इसके ऑर्थो पैरा पे क्यों नहीं कर रहे हैं, कई बच्चों के दिमाग में आया होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ही वैसा दिया है। तो बेटा यहाँ क्या बन रहा है, यूवी लाइट है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस बनेगा नहीं, हाँ इसी क्वेश्चन में ये होता FeBr3Br2, तब आप सोचते कि ऑर्थो और पैरा की बात, तब सोचते, यहाँ ऑर्थो पैरा की बात नहीं सोचोगे, फ्री रेडिकल है। तो अब बात, हेलो फ्री रेडिकल बेंजीन कौन सा अधिक होगा, ये फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल होगा कि ये वाला AEB A, क्योंकि A किसमें है, रेजोनेंस में है, तो यहां सीधे क्या किया, फ्री रेडिकल बनाया और यहां Br फ्री रेडिकल आपका ऐड कर दिया, क्या बन गया CH Br CH3 और यहां ऑर्थो मेटा और ये क्या हो गया NO2, क्या हो गया बेटा NO2, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा डियर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, CH3MgCl के बारे में कौन सा कथन सत्य है, लाइन तो देखोगे मजा आ जाएगा, ये भी कहां से है, NCERT, एक ही जगह CH3MgCl H2O के साथ हैलोजन डेरिवेटिव में रिएक्शन है और वहां इसके बारे में जिक्र किया गया है, हम उसी को उठा के यहां आपके पेपर में डाल दिए कि बच्चे हमारे देखें तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़े कि पेपर NCERT से है और वो NCERT को और उत्साहित से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन कौन सा है, 35 CH3MgCl, तो CH3Mg के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बॉन्ड है, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, और MgCl के बीच में जो बॉन्ड है, लिख लो ये, हेलो ये क्या है, आयनिक है, ठीक है। तो इसमें कार्बन मैक्सिमम बंद सहसंयोजी लेकिन उच्च ध्रुवीय, कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर, बोलो हेलो गए, ये भी लाइन कहां पे है, NCERT, सब कहां पे, हमने जगह ही बता रहे हैं कहां पे है, उस चीज को पढ़ना आपको, और इर्द गिर्द कोई और बात मिले उसको तुरंत नोट करके, और तुम हेलो हम जो बात कर रहे हैं तुम जब उसको और बात करोगे तो तुम डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन फंस जाएगा, दोनों मिलके बात जब होगी तो नीट के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे उसी से, ठीक है। तो अब इसमें आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं 36, ये भी NCERT, कहां से, पॉली हैलोजन एटम दे रखा है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन O2 के साथ फॉस्जिंग रिएक्शन ने उसी को बनाया, फ्रेम किया गया है, चलो यहां ऐसे नहीं किसी किताब से वहां बैठ के लोगों ने इसको फ्रेम किया है कि बच्चे हमारे, और पेपर भी वहीं से आ, इसलिए तो CHCl3 O2 के साथ लाइट, देखो लाइन टू लाइन है और यहां क्या बनेगा COCl। अब हमने यहां पे एक बात और ऐड करी, एक तो ये रिएक्शन भी आपको आ जाए कि इसका IUPAC नाम क्या है, तो नंबरिंग 1 करोगी, 1 पे क्या लगा है, क्लोरो 1 क्लोरो मेथे नोइल क्लोराइड, 1 क्लोरो मेथे नोइल क्लोराइड, आंसर इज सेकंड, ये IUPAC नाम करेक्ट है और कोई IUPAC नाम इसमें करेक्ट नहीं है, और सब कॉमन नेम हो जाएंगे, कोई डिराइव हो जाए, तो A का IUPAC नाम वही
हो गया ना, प्लस एस सी एल निकल गया। क्लियर डियर, कर पा रहे हो? नेक्स्ट चले। किसमें समान संख्या में क्लोरीन है? विच हैव द सेम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम? बोलो। फॉस्जीन गैस सीओ सी एल, फ्रियॉन 12, फ्रियॉन का नाम जिसे मान लो है सी सी एफ टू सी एल टू, तो फ्रियॉन तो लिखोगे। नंबर ऑफ कार्बन माइनस वन, तो कितने कार्बन है? वन, वन में से वन घटा दो क्या होगा? जीरो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, वन जोड़ दिया वन। और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, इसका नाम क्या होगा? फ्रियॉन 012, फ्रियॉन 012 लिखो या फ्रियॉन 12, ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें क्या हो गया? फ्रियॉन 12 का नाम हो गया CF2Cl। डीडीटी, हेलो डीडीटी, क्लोरोबेंजीन, डीडीटी बेटा, हाँ डीडीटी बने कैसे बोलना? जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? डीडीटी। ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है, CH C Cl Cl Cl, बोलो क्लियर? डीडीटी बन गया। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। तो इसमें कितने क्लोरीन है? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें 2, 3, 5, इसमें 3। अब देखो बेटा, लो कभी किसी जमाने में क्वेश्चन पूछा, यही ऑप्शन देके उसी को हमने एनालिसिस करी है। ये एफएमसी के पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा है, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन है, किसमें अधिकतम में क्लोरीन है, तो आंसर क्या होगा? डीडीटी। उसी को हमने कहा कि अगर ये स्ट्रक्चर, अगर जो सीबीएसई के जो पैनल है उसके दिमाग में है, नीट के पैनल के दिमाग में है, क्योंकि वही मेंबर इधर उधर होते रहते हैं, नीट के पैनल के दिमाग में है तो ये स्ट्रक्चर डालेगा, तो जानबूझ के हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो इसमें सेम किसमें होंगे? ए एंड बी, आंसर इज फर्स्ट। बोलो डियर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रियॉन 12 का, हाँ ये, हेलो ये भी एनसीईआरटी लाइन है, जहां फ्रियॉन 12 है ना, जहां फ्रियॉन है स्वार्ट रिएक्शन, तो वहीं पे ये किससे बनता है? स्वार्ट रिएक्शन। इसलिए लाइन इसकी निकाल दी हमने, तो बेटा वो लाइन देख कर खुश होना और उसको इंपॉर्टेंट करके दो चार चीजें अंदर से और उसमें पढ़ना कि और क्या क्या चीजें, ठीक है ना, उसमें R22 वगैरह भी चीजें हैं और भी, लेकिन हम इतनी बात करते रहे कि उसके जब दो चार आगे पीछे आप करोगे तो बात हो जाएगी अच्छी, ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है। फ्रियॉन 12 मैन्युफैक्चर भाई संश्लेषण होता है किससे? स्वार्ट रिएक्शन से, याद रखोगे? चलो ये पूरे फंस सकते हैं बेटा, हाँ यहां देखो एक सिंपल सी बात, एक जगह एनसीईआरटी में वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऐसी बात है, वहीं से इसको लिया गया है। एक्स पहले उलामान भी था, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि एनसीईआरटी प्योर रखा जाए, अगर वो आएगा तो ठीक है, तो यहां पे हो गया फिटिंग। वुड्स फिटिंग क्या था? ये था, और आगे CH3Cl एनहाइड्राइड, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? CH3, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, बाइफेनिल सिमेट्रिकल कंपाउंड है भाई, ये है, याद करो आइसोमेरिज्म का एक शानदार सा मामला, उसीलिए जानबूझ के हमने किया और फिर जानबूझ के अपने बच्चों को याद दिलाएंगे, सिमेट्री है, सिमेट्री आ गई तो क्या हो जाएगा? प्रकाश अक्रिय। लेकिन इसी के, हेलो ये तो आंसर हो गया 39 का सेकंड, प्रकाश अक्रिय ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन इसी के ऑर्थो पर ए बी क्या? ए बी नहीं होना चाहिए, एच एफ, तब ये क्या हो जाता? प्रकाश सक्रिय। याद आ रही हो बात? याद आ रही है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, अब ये कहां पे है? ईथर है, ईथर देखो, ईथर है, वहीं पे इस बात का जिक्र है, बॉन्ड एंगल। अब यहां एक बात बता, ओ है लोन पेयर है, यहां आर है, आर है, जब ही लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बेटा कम होता है, लेकिन ईथर में आर आर ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो जाता है जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो देखोगे यहां पे एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि इसके बॉन्ड एंगल कितना है, फिनॉल और एल्कोहल में फिनॉल फिर एल्कोहल, तो इसका क्या हो जाएगा? सी बी ए, आंसर क्या हो गया? सेकंड।
बोलो 40 तक हो गया मामला, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं 41 क्वेश्चन की, ये तो आंसर हो गया सेकंड। 41 इधर देखना, देखो ये क्वेश्चन लिया कहां गया से, प्योर एनसीईआरटी से, लेकिन मामला कैसे है देखो, यहां CH3 CH2OH है और इसकी सोडियम के साथ, तो क्या बना था CH3 CH2ON। एक है बहुत फेमस कहानी, क्योंकि Na पे क्या होता है प्लस चार्ज, तो सीधे ONA लग गया। अब उसी के नीचे, हेलो जगह बता रहे हैं कहां से लिया गया है, उसी के नीचे रिएक्शन उसने किससे कराई है, Al, और Al पे कौन सा चार्ज होता है प्लस थ्री, तो बनेगा तो वही चीज, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा होल थ्राइस। यहां देखो एक ही बना दिया गलत है, ट्वाइस बना दिया, यहां क्या हो जाएगा होल थ्राइस, क्योंकि Al पे क्या होता है प्लस चार्ज, तो आंसर क्या हो गया सेकंड। बात समझ गए, सिंपल Na है तो क्या बना दिया ONA, Al पे प्लस थ्री चार्ज होता है तो इसका होल थ्राइस Al बना दिया, ठीक है याद रहेगा। नेक्स्ट, फिर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी प्योर एनसीईआरटी पीसीसी, एक इसमें क्वेश्चन, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, पीसीसी, क्या होता है पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। और एक खास बात फिर वही लिखो स्टार बना के, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडेशन नहीं करता है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो मतलब डबल बॉन्ड जैसे वैसे रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा CHO, देख रहे हो यहां क्या हो जाएगा CHO, तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में और डबल बॉन्ड को कोई टच नहीं करेगा। हाँ बात करेंगे बेटा 43 नंबर क्वेश्चन, OH है CHCl3 एक्वस NaOH, ठीक है, और फिर आगे दे रखा है NaOH, हमें तो ये बीच का पूछ रखा है इंटरमीडिएट, ठीक है, तो इसके लिए बैग जाते हैं, बैग के लिए बैग जाते हैं, यहां देखो पहले इसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं, फिनॉल है और इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ, ठीक है, तो यहां बन जाएगा ONA, ठीक है ONA, यूं यूं। अब जो CHCl3 है और NaOH है CCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल बना CCl2, ये इधर देख लो डबल बॉन्ड O CCl2 माइनस और यहां क्या है H, ठीक है, अब ये इधर और ये टॉटोमराइज हुआ OH CHCl2, और फिनॉल है NaOH उसके साथ है ये, तो ये देखो क्या हो जाएगा ONA, फिर OH माइनस और H प्लस, तो ये OH हो जाएगा, ये CH OH OH, H प्लस उसके बाद फिर एटोमेटिक वो सॉल्ट है ना, तो उसके पास चला जाएगा H प्लस, तो यहां से H2 निकल गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, क्यों सर OH और यहां पे क्या हो गया CHO, ठीक है, तो ये बना क्या आपका, बना तो बेटा क्या सैलिसिलिहाइड, लेकिन ये NCERT इंटरमीडिएट पूछा है तो आंसर कौन सा होगा ये बोलो, ठीक है, तो फिर बात करते नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं जैसे, हाँ आंसर कौन सा होगा बेटा देखना, ये शानदार बेहतरीन ONACHCl2, क्योंकि यहां पूछा है इंटरमीडिएट, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट पूछता तो क्या होता सैलिसिलिहाइड, ठीक है, क्लियर बात समझ गए, तो इंटरमीडिएट पूछा है फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछा है, इसलिए ये आंसर मत दिखा देगा, ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट इसको करते हैं। हाँ अब सुनो, ये हमने सुनो मेन बात, पहले ये क्वेश्चन उठाया कहां से, देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर है, पेज है पूरा, एक पेज की पूरी थ्योरी लिखी गई, क्या लिखी गई, एक पेज की पूरी थ्योरी लिखी गई, वहां पे मेथनॉल बनाया गया है, एथेनॉल हमने उठा लिया, और ये डाला क्वेश्चन क्यों है बेटा, हेलो जेई मेन में इस क्वेश्चन के कनेक्टेड में क्वेश्चन पूछ चुका है, हमने थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाइड किया, तो ए जो बनता है, हेलो यहां जो बनता है ए जो है वो क्या है CO+H2, क्या है ए जो है वो क्या है CO+H2, ठीक है, नेचुरल गैस होता है वो अराउंड 80% मीथेन होता है और बहुत सी चीजें होती हैं, मार्स गैस
ये क्या होता है? मीथेन। ठीक है, अब हेलो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस बेटा होता है CO+N2। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिनगैस CO+H2, इसी कहते हैं सिनगैस। तो उसमें ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था, तो सिनगैस कौन सा हुआ? फोर्थ। सिनगैस कौन सा हुआ? फोर्थ। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 44 का फोर्थ ऑप्शन। बोल बेटा, क्लियर है? एकदम आराम से बात, तो एनसीईआरटी में कैसे पूछ रहा है, क्या चीजें पूछ रही हैं, ये चीज आप तक इंफॉर्मेशन जेईई में इसके अराउंड आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले डियर। बोलो, यहां एक बात जानबूझ के दिया हमने आईएसडी, क्योंकि एक जगह इसका हल्का सा जिक्र है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो सब जानते हैं, असंतृप्तता कोटि, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये टर्म पूछे तो ये वही चीज है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है? डबल बॉन्ड असंतृप्तता कोटि, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, द्विबंध तुल्यांक, हाइड्रोजन में कमी पूछे तो भी ऐसी ही बात होगी। अब यहां पे है, ये देखो, फ्री रेडिकल सीएल हटाया, क्या बनाया? फ्री रेडिकल। सीएल हटाया, क्या बनाया? फ्री रेडिकल। कौन सा रिएक्शन है बेटा? वुड्स रिएक्शन। हेलो, कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। अब देखो ये कैसा रेजोनेंस है, क्रॉस, किसमें चेंज करेंगे? सिंपल में, किसमें चेंज करेंगे? सिंपल रेजोनेंस। तो सिंपल अब पूछ रहा है इसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, मतलब असंतृप्तता की कोटि ही पूछ रहा है। तो एक दो तीन आंसर, एक दो तीन और एक चार, आंसर क्या हो जाएगा? फोर। बोलो, ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाँ, BH3H2O2, हेलो, एक फेमस रिएजेंट जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जो बात चल रही है, तो करता क्या है? इसे सिंपल सी बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, BH3 है, H2O2, और यहां क्या है? OH-, यही रिएक्शन क्या है? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, इसमें जब बनेगा तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनती है, CH CH2 H BH2, क्योंकि BH3 जो टूटता है इसमें ऐसे टूटता है। ठीक है, तो BH3 कैसे ब्रेक होता है ये भी पूछ सकता है। हेलो, तो BH3 H पे माइनस, BH पे प्लस। अब यहां पे क्या बन गया? ट्रांसेंस स्टेट। तो एडिशन कैसा होगा? सेम। अब BH3 से क्या जाएगा? H, और ये हो गया CH3 CH2 CH2 BH, मतलब ऐसे तीन बार रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आएगी। बोल बेटा, ट्राइएथिल बोरेन याद आ रहा है? बोलो, ट्राइएथिल बोरेन याद आ रहा है? अब यहां पे H2O2 है, HOOH, यहां से BOH का होल थ्राइस निकल गया और यहां बन गया CH3 CH2 CH2 OH। ठीक, तो रुक जाओ, कॉपी पेन उठाओ। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में BH3 से किया जाता है H, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे? कम। और H2O2 OH- से क्या जाएगा? OH, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर बात? बोलो, अधिक होगी। अब बात एक है, रुक जाओ, अगर जो BH और इसमें कोई इंटर, ये दोबारा वाली बात समझिए ना, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2, फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा दो बार, तो HH वहां चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस भी, वो हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया ट्राई एल्किल बोर। हाँ बेटा, अब सुन, BH3 से क्या जा रहा है? H, वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है,
और H2O2 से OH- से OH वहां जा रहा है हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, मतलब ये क्या होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, कहीं कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो रिंग भी नहीं खुलेगी। एक बात और एक्स्ट्रा, अगर जो यहां पे रुक जाओ हटाते हैं सीधी बात, अगर बेटा यहां CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां रखते BH3H2O, क्या रखते BH3H2O तो क्या बन जाता CH3CH2CH3, यहां करते BH3 और RCOOH तो भी यही बन जाता। ठीक है ना, तो एक हम एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं कि ये भी आ सकता है। ठीक है, बोलो, तो इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास नहीं होगा। मूल क्वेश्चन पे आते हैं, अब BH3 से क्या जाएगा H, वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, और H2O2OH- से क्या जाएगा OH, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक। कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा तो वलय भी नहीं खुलेगी, वलय भी नहीं खुलेगी। आंसर आपका क्या आ गया सेकंड। ठीक है, आंसर क्या आ गया ये सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, या फिर एक शानदार क्वेश्चन, इसमें हम लाइनें बोल दे रहे हैं सीधे। अगर जो बेंजीन रिंग से सीधे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाएगा ऑर्थो और पैरा। बेंजीन रिंग पे डीएक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां जाएगा मेटा पे, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है तो कहां जाएगा एक्टिवेटिंग के पास। ठीक है ना, दो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, हेलोजन है तो ऑर्थो पैर। ठीक है, तो सुनो, ये दो रिंग है, जिस रिंग पे एक्टिवेट कर रहा है उसी रिंग पे अटैच करेंगे ये, और ये दो रिंग है, इस रिंग पे लोन पेयर है एक्टिवेटिंग, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहां एक्टिवेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। यहां जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा वो क्या है Br+, तो बनने को ऑर्थो ही बनेगा और पैरा ही बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा पैरा वाला। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, ये ऑप्शन है आपके पास, ये देख लो 1 2 3 4, तो ये आपका ऑप्शन। ठीक है, देख लो, बोलो, क्लियर है बात। मेजर 47 नंबर क्वेश्चन आंसर, मेजर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद, ये चारों ऑप्शन है आपके सामने, ये आपका आंसर। क्लियर, क्योंकि रिंग पे अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो ऑर्थो पैरा, और पैरा ही क्या होगा बेटा मेजर, तो ये एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेटिंग समझते हो ना, रिंग के ऊपर कोई ऐसा जिसमें लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो वही एक्टिवेट करेगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट। अब यहां कौन सी प्रतिक्रिया मार्कोनिक ऑफ नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है पूछा। एक बात बताओ, मार्कोनिक ऑफ नियम, ऋणात्मक भाग द्विबंध के सापेक्ष वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, लेकिन लेकिन बेटा मार्कोनिक ऑफ जैसी कोई चीज नहीं होगी, हम तो स्टेबिलिटी के हिसाब से रिएक्शन करेंगे, उस करने के बाद हम देखेंगे कौन मार्कोनिक ऑफ को फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखो CF3 ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां प्लस और यहां माइनस। ठीक है, तो यहां जो प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 CO, ये मार्कोनिक, अब ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट ये है। अब ऋणात्मक भाग नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, तो यहां है ऐसा नहीं है, तो यही मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसमें देखो ये दे रहा है तो यहां प्लस और यहां माइनस, H+Cl- यहां चला गया तो ये तो फॉलो कर गया, ये भी वही कहानी प्लस और माइनस, Br चला गया ये भी वही कहानी प्लस और माइनस, तो माइनस वहां गया जहां हाइड्रोजन, तो 2 3 4 ये प्रोडक्ट तो सबके नॉर्मल, लेकिन जिसमें नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां आ जाए जहां हाइड्रोजन नंबर कम है तो वो मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बोलो, तो इसमें आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट चलें, हाँ
किसमें एल्काइन में लहसुन जैसी सुगंध ली स्मेल, यहां भी गार्लिक स्मेल, ठीक है, क्या लिखोगे, गार्लिक स्मेल। तो लहसुन जैसी सुगंध आने का मतलब है, गार्लिक जैसी स्मेल आने का मतलब, देखो एल्काइन में जनरली स्मेल नहीं आती है, लेकिन एसिटिलीन में लहसुन गार्लिक जैसी स्मेल आती है। इसके रीजन पीछे है PS3 ASS3, ठीक है ना, इसकी इंप्यूरिटीज होती है, अशुद्धि के कारण ये एसिटिलीन में लहसुन जैसी सुगंध, गार्लिक जैसी सुगंध आती है। PS3 ASS3 H2S इसकी इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जानते हो बेटा कौन सा क्वेश्चन, अगर याद ना रहे तो ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, आइसोमराइजेशन एल्काइन का, लिख लो आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का समायुकरण, यहां लिख देते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करी जाए तो बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अगर इसकी NNH2 के साथ रिएक्शन की जाए, इसकी देख लो, इसकी अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहां ट्रिपल बॉन्ड दे देता NNH2 तो इधर आ जाता, तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2-butyne, पहले तो एल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएगा, 2-butyne, और 2-butyne और यहां NNH2 दे देता तो क्या बन जाता, 1-butyne। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन है इसलिए अपने इसको डाल रखा है पेपर, ठीक है ना, क्योंकि एल्कोहलिक KOH सिलेबस में है ये और एल्काइन है ये, ठीक है। तो 2-butyne इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट, याद आ रहा है, क्वार्टरनरी, अच्छा प्रोडक्ट ही बना रखा है इसने, यहां हां बोल दें, यहां पे ये हाफमान एलिमिनेशन देता है, मतलब डबल बॉन्ड यहां पे और ये डबल, ए और बी के बीच रिलेशन, ए और बी के बीच में रिलेशन, प्रोडक्ट बना दिया। क्वेश्चन में ऐसा होता तो और अच्छा रहता, ए बी इधर है, ये ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है बेटा वो कौन सी होगी, पोजिशन, क्या होगी, पोजीशन। देखो 1 2 3 4, ये कौन सा आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, AgNO3 के प्रतिक्रियाशील के साथ प्रतिक्रिया की दर की तुलना करें, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3, क्या देखेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, यहां से Br निकाला प्लस चार, यहां से प्लस चार, और यहां से डबल बॉन्ड से Br निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कौन अधिक स्टेबल है, एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, तो फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड, बोलो फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, क्लियर है बात। तो क्योंकि डबल बॉन्ड से Br निकल नहीं सकता इसलिए किसमें हो गया, लास्ट में। चले SN2 के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो SN2 रिएक्शन, एक बात देखना, बेंजीन से हेलोजन लगा है, ना तो SN1 देगा ना ही SN2, निकाल नहीं सकते डबल बॉन्ड से, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट, डबल बॉन्ड से Cl नहीं, ये भी ना तो SN1 देता है ना ही SN2, ये भी ऐसा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन, ना तो SN1 ना SN2, ये ना SN1 ना SN2, ये ना SN1 ना SN2, ये ना ऐसा, क्यों SN1 क्यों नहीं देगा साहब, ब्रिज कार्बन पर प्लस चार्ज संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और SN2 क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसकी पिंजरे जैसी केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर हो गई तो स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक हो गया, तो SN2 भी नहीं देगी, केज पिंजरा देखा ना, ऐसे ऐसे होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं पिंजरे के,
ठीक है ना। तो इसमें SN2 कौन देगा तेज? सेकंड। SN2 कौन देगा तेज? सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि ये 1, 3, 4 तो ना तो SN1 देंगे ना ही SN2, ठीक है डियर। नेक्स्ट बात, छोटा सा क्वेश्चन, CH3, CH2, O, CH3, PCl3, Cl, Cl, क्या बना? CH3Cl बना, बिल्कुल, और C2H5Cl बना, बिल्कुल। तो आंसर, और POCl3 है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? CND। बोलो बेटा आंसर क्या हो गया? CND। अगली बात, पांच रिंग है CH2OH, नेक्स्ट में देखते हैं। ये H प्लस तो CH2OH2 प्लस हुआ, H2 यहां से निकला, क्या हो गया? प्लस चार्ज, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया? बेंजीन, ठीक है। ये आपका मूल क्वेश्चन, ये विधि रिएक्शन, इसको मिटाते हैं, आंसर क्या हो गया? बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हाँ, H3PO4 है, हीट है, H3PO4 हीट, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट क्या करता है? H2O निकालता है, तो यहां A जो बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ही। अब देखो OSO4NH, ये क्या करता है? ये और बेयर रिएजेंट दोनों का काम क्या बेटा? OSO4NHSO3 और बेयर रिएजेंट दोनों काम क्या है? सिस डायोल बनाना। और ट्रांस के लिए कौन होता है? पर एसिड ले लो फिर हाइड्रोसिस, जिसे ट्रांस बनाना हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां कोई भी RCO3H ले लिया तो CH2CH2O, हाइड्रोसिस करोगे H प्लस OH माइनस, तो CH2OH CH2OH क्या बन गया? ट्रांस डायोल। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी। और सिस डायोल के लिए ये हो सकता है या बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट 1% एल्काइन KNO4 हो, KNO4 हो, OH माइनस हो, तो उससे भी यही चीज बनेगी। अब देखो ये बना क्या, इसमें 2 काइरल है, सिमेट्री है, क्या बन गया? मीजो, क्या बन गया? मीजो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसमें पूछा है DU, क्या पूछा है बेटा? DU, तो पहले इसके रिएक्शन कर लेते हैं। ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, और यहां दे रखा है यू H प्लस ओ एच टू प्लस, यहां से H2 निकला, बोल बेटा बाबू बोलो, सही है। अब कैसा है ये? क्रॉस रेजोनेंस है, तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? ये सिंपल रेजोनेंस में, किसमें? सिंपल रेजोनेंस में। अब इसकी बात, हाँ यहां देखो कलर चेंज करते हैं, माइनस और ये प्लस, ये तो हुआ यू, और ये पांच रिंग किसमें खुलेगी बेटा? बोलो, प्लस चार्ज, अब माइनस एच प्लस, तो यू देखना इधर, यही बेटा अगर चार रिंग देते तो कितने में खुलती? पांच में, ठीक है। अब इसका निकालना है DU, तो 1, 2, 3, 4, 5, DU इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 इनटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने बेटा? 3, रिंग कितने हैं? 2, कितने हो गए टोटल? 5, आंसर इज 5। तो आते हैं उधर, ये है कितने आंसर हो गए? 5, बोलो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं,
अब इसने कहा कि राइमर ट्यूमर अभिक्रिया में अणुभार फिनॉल में कितना बढ़ेगा, एक बात देखना, कलर चेंज करते हैं रेडी से, ये है आपका फिनॉल, ये क्या है फिनॉल, और इसमें CHCl3 एक्वस NaOH। अब देखो पीएमटी मित्रा यही पूछा है कि जब फिनॉल की CHCl3 एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या प्रवेश करेगा, क्या इंसर्ट करेगा, ऑप्शन CHO COH, ठीक है ना, CONH2 COCl, ऐसी बातें भी करी गई हैं। तो इसमें तो हमने लिख दिया इसका नाम सैलिसिलिहाइड, ऑर्थो बनने का कारण क्या है, किलेशन, किलेशन यहां 6-7 की रिंग बन जाए ONA के साथ किलेशन। हां NaOH के लिए भी पूछा जाए आपसे कि KOH का प्रयोग किया जाए तो होगा क्या, पूछे कोई आगे चला के तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि K का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किलेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऑर्थो प्रोडक्ट ना बनके क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब CHO इंसर्ट कर रहा है तो 16, 12 और 1, 29, लेकिन 1 H रिप्लेस ही क्यों, तो ये हुआ तो 16-12 क्या हो जाएगा, 28, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28, बोलो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि CHO इंट्रोड्यूस हुआ तो यहां H था तो ये H एक खत्म, 16-12 जोड़ लो, बोलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ईथर में देखिए रिएक्शन के नाम पे विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, HI के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, तो ये है सीधे देखो माइनस और यहां प्लस, माइनस और इस कार्बन पे प्लस, माइनस इस कार्बन पे प्लस, माइनस इस कार्बन पे प्लस, बोलो माइनस इस कार्बन पे प्लस, माइनस इस कार्बन पे प्लस, सबको तोड़ दिए, प्लस के पास क्या जाएगा माइनस और माइनस के पास क्या जाएगा प्लस, तो OH माइनस है, ये CH2 है, एक को सब एक ही टाइप का है CH2, और यहां क्या कर दिया OH, OH क्या निकाल दो बेटा, पानी, क्या बन गया CH2O, तो वही ऐसा कितनी बार हो रहा है, 3 times, तो 3SCHO, भाई ये 3 है ना, 2-2 प्लस वाले, तो वही 2-2 OH चला जाएगा, H2O निकाल दोगे क्योंकि एक कारण पे 2OH अनस्टेबल होता है, ठीक है, बोलो कहां 2OH स्टेबल हो सकता है, ये भी बात वही बता दे, यहां 2OH स्टेबल होता है CCl3 CHOH, आपको आना होगा तो इस ये आ सकता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना अपने, तो ये आ सकता है, नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है, देख लो चले आगे 60। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद NaHSO NaHCO3, अच्छा NaHCO फिनॉल रिएक्शन करता नहीं और उससे नीचे वाले एल्कोहल एल्काइन ये भी नहीं करेंगे, तो फिनॉल से अधिक एसिडिक वाला कौन है, COH, बेंजोइक एसिड, ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन करता है। हाँ, लेकिन इसी पर NO2 ये लगा दिया पिक्रिक एसिड, तब ये रिएक्शन कर जाएगा, बोलो दूसरी बात, इसमें NHSO3 के साथ NaHCO3 के साथ ऑर्डर पूछा है, क्रम पूछा है, तो लिखा था फिनॉल सिंपल, एक NO2 लगा दिया, एक में ऑर्थो पैरा पे 2 NO2 लगा दिया, एक में ऑर्थो दोनों ऑर्थो पे पैरा पे 3 NO2 लगा दिया, पूछा कि क्रियाशीलता का क्रम, रेट ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो 3 NO2 वाला सबसे अधिक, फिर 2 NO2 वाला, फिर 1 NO2 वाला, फिर लास्ट में फिनॉल, क्रम में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, तो आंसर इसमें हो गया 3rd। नेक्स्ट, हाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो बेंजीन एरोमेटिक के लिए ट्रिक बता दे क्या होता है, देखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना की संख्या बराबर बराबर ऊर्ध्वाधर सिग्मा बंद की संख्या, 3-4 एग्जांपल लेते हैं किसके लिए, जब बेंजीन नेथ्रीन एंथ्रासीन कोई भी सिंपल इसमें है तो कितने सिग्मा बंद ऊर्ध्वाधर है, 1-2, तो आंसर क्या हो गया 2, ठीक है, यहां आ गया
कितने हैं? 1, 2, 3। आंसर क्या हो गया? 3। एक दो तीन चार, आंसर क्या हो गया? 4। देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ट्रिक से आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ अनुनादी संरचना की संख्या बराबर ऊर्ध्वाधर सिग्मा बंध की संख्या। तो 2, 3, 4, 5 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलें, सीख गए इसको बात को, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया है क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है अनुनादी संरचना की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, आंसर इज 5। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? इसमें कितने एचआई की खपत होगी? आते हैं जरा बना ले पहले ऐसे, ये है ये, नेक्स्ट एचआई लिया, अभी कितना लिया? 2 एचआई। बड़े वाले का एल्कोहल और छोटे वाले का आयोडाइड, फिर 2HI। बोलो आई आई, हाँ। अब यहां बात सुनो, अगल बगल आई का आकार होता है बड़ा, अगल बगल और आई है, अगल बगल अगर आई है तो वहां से क्या निकल जाएगा? I2। तो I2 निकल जाएगा, तो यही तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें I2 निकल जाएगा तो यही तो बना। अब HI, HI बोलो, ये बात तो है, ये ना, तो कितने हो गए? 2, 4, 5 और 1, 6। आंसर क्या हो गया? 6। पहले इसको देख लो बेटा, ठीक है, तो मूल क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा होगा आंसर दिया? 6। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाँ, एक देखो सिंपल सा, ऐसे लिखा होता है CH3COOH और यहां NaHCO3 लिख दिया, मान लो यहां कर दिया स्टार। कहा जो CO2 निकलेगा वो कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, तो यहां से बिल्कुल, ये तो हो गया CH3COONa+CO2*+H2O। ऐसे बैठा लो CH3SO3H, ये भी बहुत बार क्वेश्चन, NaHCO3 दे दिया, तो SO2 नहीं निकलेगा, ये तो सॉल्ट बनाएगा CH3SO3Na, ये सॉल्ट बना दिया और यहां क्या निकलेगा? CO2+H2O। दिस इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब दोनों में गैस की बात हो रही है, दोनों में क्या हो रही है? गैस, तो यहां कौन सी गैस निकल रही है? CO2, यहां भी CO2। बोलो निकल रही, एक ही बात है, यहां बी, यहां बी, क्लियर, यहां कर दो COH, यहां कर दो COH। अब बात पकड़ में आगे से, तो यहां से भी CO2, यहां से भी CO2, ठीक है, यहां से भी CO2। टोटल आंसर क्या हो गया? 44, 32, 44, 44 क्या हो गया? 88। क्या हो गया? 88। तो आंसर 88। ठीक है, नेक्स्ट बात चले। चलो इसको पहले क्वेश्चन, उसमें तो ऐसे सही किया होगा, नहीं तो ऐसे सही कर लेना। ठीक है, कर लिया,
नेक्स्ट चलते हैं बात। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मेथनॉल से ज्यादा प्रबल अम्लीय है? देख मिट्टी लो, सिंपल H2O है, यहाँ H प्लस डाल दिया, तो ये क्या हो गया H3O प्लस। ये मान लो A है, ये हो गया B, तो B इज मोर एसिडिक। सिंपल NH3 है, H प्लस डाल दिया NH4 प्लस, ये A है ये B है, कौन अधिक एसिडिक? B अधिक एसिडिक, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड इज मोर एसिडिक देन कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड, संयुग्मितम्ल अपने दिए हुए यौगिक से अधिक अम्लीय होंगे। इसी टाइप से कॉन्जुगेट बेस इज मोर बेसिक देन रिस्पेक्टिव कंपाउंड, संयुग्मित क्षार अपने दिए हुए यौगिक से अधिक क्षारीय होंगे, ठीक है। तो यहां तो मेथनॉल से पूछा है, तो मेथनॉल है और इसमें एच प्लस डाला है, तो CH3OH2 प्लस, जाहिर सी बात है आंसर क्या हो गया, कोई लफड़े की बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, हेलो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन का है, तो आप कॉपी लेके इसको लिख लो, और जिसको आता है अच्छा है, तो उसको भगा के और आगे देखो, फिर अगला काम करेंगे अपन। C8H10 के कितने समावेशी गर्म क्षारीय के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, बेंजीन वाले संलग्न वाले हैं। हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C8H10 व्हेन रिएक्ट विद हॉट एल्काइन के अणु गिव्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले C8H10 का आइसोमर बनाते हैं, C2H5 ऑर्थो ऑर्थो मेटा और ये पैरा, इसको क्या कर दोगे COOH, और ये केवल एक ही बनेगा। बात समझ जाओ, अभी कुछ देर पहले हमने बताया होगा कि बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप हो, टर्शियरी वाले को छोड़कर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीडाइज करोगे KNO4 के साथ, तो वो क्या करेगा COOH में चेंज होगा। तो यहां डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये नहीं हुआ, तो आंसर इज 3। आंसर क्या हुआ डियर? 3। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का इंतजार था। Which compound does not react with Cl2 in dark? कौन सा क्लोरीन के साथ अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है? ठीक है, तो नहीं करता है तो कौन सा नहीं करता है? मेथेन। कौन सा नहीं करता है? मेथेन। याद है ना, मेथेन एल्केन क्लोरीन के साथ अंधेरे में, हाँ अगर अंधेरे में करानी है तो किसका? ऑर्गेनिक परोक्साइड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखो, COET है, हाइड्रोलिसिस करें H प्लस OH माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं COOET, ठीक है, हाइड्रोलिसिस OH H क्या बन गया COOH, ये बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। हेलो, CO2 कब निकलता है? जब दो COH के बीच में एक कार्बन हो, तो यहां से भी क्या निकलेगा? CO2, या बीटा कीटो एसिड है तो यहां से हीट करने पर क्या निकल जाएगा? CO2, ठीक है ना, अल्फा बीटा लिख दिया ना, बोलो। तो मेन यहां COH हुआ पहले, फिर हीट दे रखा है, तो आंसर इज सेकंड। हाँ, इसका भी इंतजार था हमें, इसलिए पर एसिड पहले बता दीजिए। ये क्या है? MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड CO3H, कोई भी RCO3H है और इसकी इपॉक्साइड के साथ कि एल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं, मान लो इसके साथ एल्कीन है ना, इसके साथ रिएक्शन करोगे
तो ये बन जाएगा यूं। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे H प्लस ओ एच माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये OH हो गया ऐसे सीधे, और जो O जो अगला OH माइनस है वो इस साइड से अटैक करेगा, नहीं कहां से करेगा, बैक साइड से, तो यहां बनेगा क्या ट्रांस डायोन। इसको ऐसे भी लिख लो, कोई लफड़ा की बात नहीं है, बोलो क्लियर है बात। पहले बनाया इपॉक्साइड, अगर प्योर ये दिया होता तो इपॉक्साइड। हाँ यहां एक एक बात, मान लो एक से अधिक डबल बॉन्ड है और ये चीज दे रखी है कोई भी RCO3 दे रखा है, तो डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, जहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी क्योंकि वहां अधिक सक्रिय होगा। ये बन जाएगा कि क्वेश्चन आपके सामने, न्यू न्यू क्वेश्चन भी ऐड कर रहे हैं कि आप इसको बेटे को देख लो, क्योंकि आपकी जीत में ही अपनी जीत है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हाइड्रोलिसिस ट्रांस डायोन। तो आंसर क्या हुआ, पहले आंसर फिर लगाते हैं, बिल्कुल थर्ड आंसर ट्रांस डायोन। नेक्स्ट, हाँ पिनाकोल पिनाक्लोन रिएक्शन, नाम से आपको नहीं जाना था लेकिन OH का H प्लस के साथ रिएक्शन है, इतनी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो यहां OH है, OH है, CH3 हम ऐसे लिख दे रहे हैं, H प्लस ले गए, कहीं भी ले जाओ दोनों तरफ सेम है, जाएंगे वहां जहां कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल है, OH CH3 OH2 प्लस, ठीक है बेटा ये लिख दिया। अब यहां से क्या करोगे, H2 निकालोगे, तो CH3 CH3 OH, देख बेटा CH3 CH3 और यहां से प्लस, बोलो डे। अब यहां से क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, देखो दिख रहा है तुम्हें 3 डिग्री, लेकिन यहां जाएगा तो बीबी बैकबॉन्डिंग, बैकबॉन्डिंग नॉर्मल टर्शियरी कार्बोकैटायन से क्या होता है, अधिक स्टेबल, OH CH3 CH3 CH3। अब क्या करोगे, माइनस एच प्लस निकाल लो, ये तो हमने पूरी मैकेनिज्म लिख दी। इस मैकेनिज्म के दौरान आपको दिखा क्या, क्या दिखा, प्लस चार्ज, क्या दिखा, प्लस चार्ज दिखा, देख रहे ना प्लस चार्ज दिखा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, पहले लिख लिया ठीक है, यहां सी है, हाँ आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे प्रोडक्ट वगैरह तो पूछ नहीं रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बना, तो इंटरमीडिएट बना कार्बो कैटायन, ये इंटरमीडिएट बना, ठीक है। नेक्स्ट चलें, बोलो डबल बॉन्ड पे बी आर अटैच, डबल बॉन्ड पे बी आर अटैच, कौन सी होगी, एडिशन। अब बी आर टू एस टू है, ये भी बी आर ओ एच भी अटैच हो सकता है, हम मेजर माइनर तो पूछ नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं ये रिएक्शन कौन सी है। तो यहां बी आर टू, तो ये बन गया बी आर प्लस और आगे बी आर माइनस अटैच, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। बोलो नेक्स्ट बात चलते हैं, हाँ सिंपल सी कहानी है, NaNH2 इसकी NaNH2 के साथ रिएक्शन, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी Na एसिड बेस रिएक्शन, CH3 आई तो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3 Na लिक्विड NH3 डाल दें तो क्या बन जाएगा ट्रांस, NaNH2 डाल दें या Na लिक्विड NH3 डाल दें, क्या बन जाएगा ट्रांस एंटी। इसमें डाल दें H2PdBSO4 लिंडलार कैटालिस्ट, कौन सा कैटालिस्ट भाई, लिंडलार कैटालिस्ट, क्या बन जाएगा सिस एल्कीन। अब पूछ रहा है बी और सी में क्या संबंध है, तो बी और सी क्या है, GI, एक सिस और एक ट्रांस, क्या हो गया GI,
क्वेश्चन की स्मूथनेस को आपको देखना है। इस ये कॉन्सेप्ट नीट को बहुत पसंद है, दो तीन बार देखा गया है कि इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर तीन चार क्वेश्चन को एट एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और यहाँ पे एक बात हुई थी। है नेक्स्ट, हाँ CH2N2 हीट डाई एजो मीथेन, CH2N2 हीट करोगे, हीट कर दिया, क्या बना CH2+N2। अब सिंपल ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, CH2 के पास दो कार्बिन है, ये दोनों आपस में ये जब हुआ तो यहाँ पे ये हट गया। अब ये सिंपल एक एक फ्री रेडिकल हो गए, अब ये इसके साथ अटैच कर दिया, तो वही बात हुई CH2 है। अब ये डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या लगाएगा CH2, तो इसके साथ रिएक्शन हुई तो ये बन गया। खोजो इसमें ऑप्शन कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है, बोलो क्लियर बात, कोई दिक्कत, चलें आगे। कमरे के तापमान के लिए कौन सी अभिक्रिया बेहतर नहीं है? हेलो, एक बात बताओ, 11th के NCERT हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजनेशन पे 6-7 लाइनें लिखी, जिसमें एक लाइन का क्वेश्चन ये दिया। S2PTPD ये कमरे के ताप पर आसानी से हो जाती है, लेकिन S2 निकल के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता होती है S2PTPD की अपेक्षा, तो ही बात है। तो कमरे के ताप पर बेहतर नहीं है, कौन सी बेहतर नहीं है, S2 निकल वाली आ जाएगी, तो लोग NCERT को पढ़ना, बड़ी मेहनत करी गई है कि NCERT के पेज पेज से क्वेश्चन को निकाला जाए और तब क्वेश्चन बनाया जाए, तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सब NCERT ओरिएंटेड मामला है और बहुत बेहतर तरीके से बात हुई, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, HCl निकालता है, Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड दे दें, Cl2 यूवी लाइट दे दें, तो ये एडिशन नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाएगा Cl, छोटा सा कॉन्सेप्ट, एल्कोहलिक KOH फिर आ गया, फिर क्या हो जाएगा डबल, फिर Cl2, हाँ फिर Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड यहां करी लो, तो यहां ये और यहां क्या हो गया Cl, फिर एल्कोहलिक KOH क्या बन गया बेंजीन, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, ठीक है 74, बोलो 74 हो गया। अगली बात करते हैं 75, SN1 प्यारा क्वेश्चन आता ही है इस टाइप से सिचुएशन, तो पेपर में डालना भी जरूरी था। तो SN1 कार्बोधायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के क्या होगा डायरेक्टली, यहां से निकाला प्लस चार्ज, यहां से निकाला प्लस चार्ज, यहां से निकाला प्लस चार्ज, क्योंकि बेंजीन से तो है नहीं अटैच डायरेक्ट, ये क्या है प्लस एच, ये क्या है माइनस एम, यहां कुछ नहीं, तो सबसे अधिक कौन होगा सी, फिर ए, फिर बी, सी ए बी, कौन सा आंसर हुआ फोर्थ, बोलो आंसर कौन सा हुआ फोर्थ, ठीक है। SN1 आराम से आपको देखो हैलोजन डेरिवेटिव में SN1 SN2 SNAR इसी पे हो सकता है क्वेश्चन सीधे, लेकिन और भी पेचीदी बात अपने कर ही रहे, तो ये तो सिंपल सी कहानी फेमस क्वेश्चन। SN2 अगर जो स्टेरिक हिंडेंट सेम है, क्यों दिया है क्वेश्चन ये कि जे मेन में RF RCl RBr RI की SN2 आई है, तो हमने इसको दे दिया, तो अगर ट्रांसिशन स्टेट तो लिविंग ग्रुप के क्या होगा डायरेक्टली, तो सबसे अच्छा आई फिर बीआर फिर सीएल फिर एफ, तो सीबीए आंसर इस था, बोलो बात सुन लिया। अगर जो ट्रांसिशन स्टेट की स्टेबिलिटी सेम है तो SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसने खुद ही ये बनाया, खुद ही क्या किया है ये बनाया है, एक्स का वैल्यू पूछेगी, ये भी तुमने पेपर सॉल्व किया होगा तो नीट में आया क्वेश्चन, तो यहां से उठाते हैं
एक एल्कोहल NaNH2 डाला, क्या डाला, एक NaNH2, तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। NaNH2 का काम क्या है, HCl को निकालना, फिर NaNH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NaNH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNa, फिर NaNH2 CH3 नहीं, अब NaNH2 नहीं डाला, अब क्या किया है CH3 Cl, NaCl निकल गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो x की वैल्यू, NaNH2 वैल्यू 1 2 3, एक दो तीन। SNAR, हेलो बेटा, हेलो बाबू, सुन ले, SNAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जितना अच्छा माइनस एम लगा होगा SNAR उतना ही बेहतर, उतना ही अच्छा होगा। तो माइनस एम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, 3 NO2, 2 NO2, 1 NO2, सबसे अधिक C, फिर B, फिर A, आंसर इज 4, CBA, बोलो ठीक है, क्लियर कट बात है, नेक्स्ट। हाँ, इसमें पूछ दिया है मेजर प्रोडक्ट, एल्कोहलिक यूज का काम क्या होता है, HCl निकालता, इसमें सेट्जप बनेगा कि हाफमान, सेट्जप बेटा, कई बच्चे कि सेट्जप क्या होता है, हाफमान क्या होता है, सेट्जप डबल बॉन्ड के क्रॉस मोर एल्किल ग्रुप, और हाफमान डबल बॉन्ड के क्रॉस लेस एल्किल ग्रुप, मतलब दो पॉसिबिलिटी आपके सामने है, एक CLH यहां से निकले तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा केस CLH यहां से निकले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHCH3, डबल बॉन्ड के क्रॉस एक एल्किल ग्रुप हाफमान, दो एल्किल ग्रुप सेट्जप, इसमें भी सिस बन सकता है और ट्रांस, ट्रांस और सिस में कौन अधिक स्टेबल, ट्रांस, तो ट्रांस कौन सा है, सेकंड आंसर, ये नीट की डिमांड है, इसी लेवल की बातें करनी है आपको, उल्टा सीधा करने से कोई मतलब नहीं है, पेपर टाइम से होने वाले हैं, मे बी लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, तो आपको इस टाइप से ध्यान दो, और पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगा, ये फिर सुन लो ध्यान से, ठीक है डियर, नेक्स्ट। हाँ, फिर एनसीईआरटी, एरोमेटाइजेशन, जिसको रिफॉर्मिंग रिएक्शन, एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया है रिफॉर्मिंग रिएक्शन, साइक्लाइजेशन भी इसको कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 CH2 CH3 CH2 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 CH3 Cr2O3 Al2O3, बोलो, 1H 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 क्या बनेगा, बेंजीन, आंसर इज 4, आंसर इज क्या हो गया, 4, ठीक है। अब देखो यहां, फिर पहला एल्कोहलिक फ्यूल डालेंगे तो ये होगा, इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना, पहला एल्कोहलिक फ्यूल डालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसी में क्या डाल दिया, एल्कोहलिक फ्यूल। अब दोबारा एल्कोहलिक फ्यूल का यूज जनरली नहीं करते हैं डियर, इससे अच्छा कौन है, NH2, इसलिए दिया गया है NaNH2, क्या हो गया, एसिटिलीन। हेलो, पॉलीमराइजेशन, 3 मोल एसिटिलीन ना दिया है तब भी आपको 3 मोल एसिटिलीन लेना है, और क्या बन जाएगा, बेंजीन, कैसे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्लस माइनस, ठीक है, माइनस से प्लस, ये बन गया बेंजीन, ठीक है, बोलो, आंसर इज बेंजीन, होल्ड डियर, नेक्स्ट चलें, अरे वाह,
ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन, हेलो नाइट्रेशन हो हैलोजनेशन हो, इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा। C6H6, C6D6, C6T6 तीनों के क्या होंगे बराबर, तीनों के क्या होंगे बराबर, क्वेश्चन देख लेना तीनों के क्या होंगे बराबर। लेकिन यही सल्फोनेशन होगा तो HDT के निकलने पर, क्योंकि सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल उत्क्रमणीय क्रिया है, नाइट्रेशन हैलोजनेशन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां पे C6 यहां पे तो क्या होगा A इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो जाएगा C, यहां हाइड्रोजनेशन हो सेम, लेकिन यहीं पे हेलो तीन क्वेश्चन यही बता रहे हैं, सल्फोनेशन हो तो C6H6 ग्रेटर देन C6D6 फिर C6T6, C6H6 C6D6 C6T6 कब, जब सल्फोनेशन होगा, जब सल्फोनेशन होगा बेटा। नेक्स्ट यहां देखो CH3 CH2 प्लस, अब किस में जाएगा ये 2 डिग्री में CH प्लस CH3 बेंजीन, बोलो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको क्या कहते हैं क्यूमीन भी कहते हैं डियर, क्या कहते हैं क्यूमीन, तो प्रोडक्ट में नाम से दे दे क्यूमीन, क्यूमीन इसी को कहते हैं। ठीक है, कर लोगे 1 डिग्री बना 2 डिग्री में ले गए बेंजीन पे सीधे अटैच, नाम होगा क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन इसको ये भी कहते हैं। हाँ, इस रिएक्शन का नाम डियर आ चुका है क्वेश्चन नीट में, खुसरोव रिएक्शन। जितनी भी एल्काइन की रिएक्शन एनसीईआरटी में है वो सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कभी मैकेनियम करेंगे तो Hg+2 और फिर OH- इस पे अटैक करेगा, फिर लास्ट में H+ फास्टेस्ट कर लेगा, तो यहां पे जो बन जाएगा सीधे मार्कोनी का, तो यहां सेम है तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH टॉटोमराइज कर दिया, CH3 कहीं भी ले जाओ यहां कोई दिक्कत नहीं है। हां, अगर यहां पे ऐसा होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH तो तुम इसी में H+ OH- OH कहां अटैक करते हैं, यहां पे CH3 COH डबल बॉन्ड क्या होता CH2 टॉटोमराइज करते CH3 CO और यहां CH3, बोलो ठीक है कर लोगे, तो यहां आंसर कौन सा हो जाएगा, नो यहां आंसर होगा CH3 CHO। कौन सा रिएक्शन है न्यू, प्लेस में स्टार बना के लिखना, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, खुसरोव रिएक्शन एंड फॉलो मार्कोनी का। हाँ, नो रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट, इस अभिक्रिया में कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा, देख लो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, फिर एनसीईआरटी, फिर वो भी एनसीईआरटी का था ये भी, हेलो यहां देखना बेंजीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं 6Cl2, अभी तो केवल Cl2 AlCl2 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें रिएक्शन होगी तो Cl प्लस AlCl4 माइनस, प्लस और ये माइनस Cl प्लस माइनस H प्लस बोलो अब कितनी बार 5 times फिर यही चीज होगी। देखो ये पहला ऐड हुआ लेकिन डबल बॉन्ड पे कोई चेंज आया नहीं आया, तो आगे भी 5 ऐड होंगे तो भी डबल बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्या बना C6Cl6 बोल दो, और यही एनसीईआरटी फिर बात इसकी कर ले, पहले इसकी ये हो गया क्वेश्चन, पहले ये हो गया, देख लो पहले 5 बार और रिएक्शन करेंगे सब पे क्या आ गया Cl, अब कोई हाइड्रोजन नहीं है C6Cl6 थर्ड आंसर हो गया, पहले ये हो गया बाबू ये हो गया, अब नेक्स्ट सुनो, इसी क्वेश्चन में ऐसा होता यूवी लाइट, अब इसमें एडिशन होता
Cl, Cl, ये भी जहां वो रिएक्शन है वहां ये भी दे रखा है। इसको कहते हैं C6H6Cl6, इसका नाम है ट्रिपल सिक्स, लिंडेन, गैमेक्सीन, जीमीन, इस टाइप की सिचुएशन है। BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी इसका नाम है, बोलो ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखो अपनी जो मानना है कि कभी इवन सी पे कोई रिएक्शन आएगी तो यही आएगी, ये आएगी, अगर शुरुआत होगी तो ये आएगी, यही अपने आप में एक बेहतर चीज है। एल्कोहलिक KOH, क्यों? क्योंकि यहां से निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, CH2 हुआ, ये देगा और ये निकलेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इवन सी भी आना होगा तो ही हाफ मान प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, अब F है, लेकिन अब ये नहीं कि हमेशा लास्ट से ही एसिडिक है, यहां से अगर H निकालोगे, यहां से H निकालोगे तो ये नेगेटिव चार्ज किसमें है, रेजोनेंस में, तो ये मोर एसिडिक हुआ, ये मोर एसिडिक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दिया और ये बाहर, तो आंसर इज CH डबल बॉन्ड CHCH3, दिस इज करेक्ट आंसर, सेकंड, समझ गए? तो ये थोड़ा सा बेहतर है, नॉर्मल ऐसे दिया हो, यहां F है तो H यहीं से निकालोगे, ये इसको दिया, ये बाहर डबल बॉन्ड यहां है, लेकिन बेंजीन आ गया ना, तो बेंजीन वहां अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि वो जब वहां H निकालोगे तो माइनस चार्ज किस में जाएगा बेटा, रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस वाला क्या होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल, तो अधिक एसिडिक हाइड्रोजन बहुत जाएगा, सेकंड, ठीक है, आगे चले, देख लिया, चलो सुंदर क्वेश्चन, इसको कैसे, एल्कोहलिक केवच का काम क्या है, HCl निकालना, क्या है, HCl निकालना, यहां क्या हो गया डबल बॉन्ड और यहां आ गया डबल बॉन्ड, HCl निकाल दिया, Cl यहां से, H यहां से, यहां से तो निकाल नहीं सकते, अब देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, टोटोमराइज, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, इसलिए आंसर कौन सा होगा, फिनॉल, कीटो इनॉल में कीटो अधिक स्टेबल होता है, लेकिन अगर जो बेंजीन रिंग वगैरह बन रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो उस केस में इनॉल क्या होगा, मोर स्टेबल, देन आंसर इज सेकंड, आंसर इज सेकंड, नेक्स्ट, हाँ सुनो विलियमसन, कोई भी आर एक्स है, आर ओ एन ए है, सिंपल सी कहानी, एन ए एक्स निकलेगा, क्या बन जाएगा, आर ओ आर, इसे क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, यहां विलियमसन की फिर पूरी बात कर लेते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, हां, लेकिन 3 डिग्री हैलाइड है तो ये इलिमिनेशन के द्वारा क्या बना देगा, एल्कीन, इलिमिनेशन के द्वारा क्या बना देगा, एल्कीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो CH2 बैलेंस ही खराब है, इस वजह से बेस्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड, बेस्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड, नोट करो कौन सा है, ये 88, तो बेस्ट आंसर आपका हो गया सेकंड, ठीक है, ठीक है, इधर देखो, अब यहां एक बात देखो, कुछ और बात बताओ सर इसके बारे में, जब हाँ इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण सिंथेसिस रिएक्शन, ये कैसी होती है, SN2, और ये तो हो गया एलिमिनेशन, टर्शियरी हैलाइड एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, क्योंकि एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक अच्छा बेस भी है, और इसमें क्या बता सकते हो, हेलो, और देखो जैसे मान लो ये है CH3CH2OH, ठीक है ना, H2SO4, इसमें एल्कीन बनता है, ईथर बनता है, तो जब हेलो एल्कोहल से ईथर बनने की, क्योंकि ये ऑप्शन में आ चुका है, हेलो ऑप्शन में आ चुका है, एल्कोहल से नीट के एटीएमटी के एल्कोहल से ईथर बनने की रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन कंटिन्यूटी रिएक्शन, विलियमसन सतत अवक्रिया, विलियमसन कंटिन्यूटी रिएक्शन, विलियमसन सतत अवक्रिया, एल्कोहल से ईथर बनना, विलियमसन कंटिन्यूटी, विलियमसन सतत अवक्रिया, इसको हिसाब ना कितना, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, अब ये है 89,
89 लेते हैं। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है, हैलोजन डेरिवेटिव से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, दो बार तो आईटी एडवांस में आ चुका है। देखो सी एच 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 सी एल सी एच एच सी एल सी एल सी एच सी एल सी एल सी एल एच सी सी एल सी एल सी एल यही है। देखना है, तीन कमाने वाला एक खाने वाला, मतलब तीन देने वाला है एक खींचने वाला है, दो कमाने वाले दो खाने वाले, दो देने वाला है दो, एक कमाने वाला है, यहां तीन खाने वाले और यहां चारों खाने वाले हैं, इसका तो जनरली क्या होता है जीरो। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर सबसे अधिक ये, फिर ये, फिर ये, मतलब सी एस थ्री सी सी एस टू सी एल टू सी एच सी एल थ्री सी सी एल फोर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, दो बार, एक बार तो ऑर्डर पूछ चुका है इसमें, और एक बार पूछा है कि इसमें से किसका डायपोल मोमेंट नियर अबाउट जीरो होता है, तो सी सी एल फोर का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हाँ, सी एस थ्री सी एल नेम से, हेलो हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में नाम से भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शन है। तो सी एस थ्री सी एल एन ए आई सीटोन सिंपल से रिएक्शन लिख दी है, आयोडीन के लिए बेस्ट है। इस रिएक्शन का नाम कौन सी होगी, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम कौन सा होगा, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, सेकेंड। चले नेक्स्ट, कौन सा ल्यूकास के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा। तो देखो इधर, फास्टेस्ट के लिए हेलो 3 डिग्री 2 से 3 सेकंड में रिएक्शन करती है, 2 डिग्री वाली 5 से 10 मिनट, 1 डिग्री वाली 30 मिनट या फिर कहें नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री या उससे अधिक स्टेबल वाले जो भी होंगे तो वो फास्टेस्ट रिएक्शन करेंगे। तो ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, यहां देखो ये इस टाइप की सिचुएशन आ गई। तो बेंजीन के साथ कार्बोकेटायन नहीं है और साथ में CH3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यही क्या देगा, फास्टेस्ट। तो हाँ, ल्यूकास टेस्ट के साथ स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है कार्बोकेटायन के, बस, ठीक है, बोलो नेक्स्ट चले। हाँ, NaBH4, बच्चों को एक डाउट होगा सर, NaBH4 LiLH4 थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। NaBH4 5 को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, NaBH4 कीटोन को करता है, एल्किल हैलाइड को करता है, ठीक है, CsRCOCl को करता है, और पांचवा RCH डबल बॉन्ड NH, आगे क्वेश्चन आएगा भी क्योंकि ये डाल दिया है किसमें, ये आ चुका है किसमें, जे मेन में, नीट द्वारा बनाए गए पेपर में इसको दिया गया, इसलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो इन पांच को वो करता है, एसिड एस्टर इनका रिडक्शन नहीं करता है, खैर ये नोट कर लिए पहले, पांच को करता है ये। चले इसको हटाते हैं, रेड लाते हैं, ठीक, ये सीधे क्या हो जाएगा, ओ एच और सी डबल ओ एच को कोई टच नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, आंसर क्या हो गया डियर, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चले, कौन सा प्रबल अम्लीय है, हेलो फिनॉल, रेजोनेंस में 1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, इसमें H निकाला, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, यहां 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, ये तो सिंपल क्या है, एल्काइन, एसिड, तो सबसे अधिक कौन होगा, थॉर, 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, फिर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, और अधिक स्टेबल, फिर लास्ट में 1 वाला। अगर ऑर्डर करते तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट और देन फोर्थ है। हाँ, राइमेट निमन की एप्लीकेशन, सोचा था कि इसको दें कि ना दें, लेकिन हमें लगा कि CHCl3 है, CCl4 है, हो सकता है दे दे। तो यहाँ पे जो बात, देखो इधर सीधे हम समझा दे रहे हैं, OH है तो वहां CHCl2 जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, CCl CL CL, अब OH माइनस इस पे अटैक, एक कार्बन पे 3 OH, हाँ, C OH
OH, OH, यहीं से क्या कर दोगे H2 निकल जाएगा, OH COOH क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। आंसर इज सेकंड, इसका नाम याद रखना सैलिसिलिक एसिड, फिर उसकी मेथनॉल उसके साथ सबके साथ रिएक्शन करना। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्रो, यहां निकाला प्लस सबसे अधिक सी फिर बी, यहां से तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है OH, तो सी बी फिर ए। आंसर कौन सा हो गया बेटा 4 CbA, क्लियर। फ्रियोन, फ्रियोन का नाम, हेलो इसका नाम लिखते हैं तो फ्रियोन CbA। सी क्या है नंबर ऑफ कार्बन माइनस, बी क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, ए क्या है नंबर ऑफ फ्लोरीन। ये है, ये नाम का हो गया, इसको डिलीट मारे पहले देख लिया। अब C2F2 पहले लिख दिया फ्रियोन, अब कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन कम करो क्या हो गया 1, हाइड्रोजन क्या है 0, एक इसमें जोड़ दिया 1, फ्लोरीन कितना है 2, तो इसका नाम क्या हो गया फ्रियोन 1 1 2, फ्रियोन 1 1 2। बोलो नेक्स्ट चले, या इसको करने को तो कर लिया होगा सबने, लेकिन स्ट्रक्चर खोजने में थोड़ी तुम्हें दिक्कत आई होगी। सीएल है, सीएल है, निकाल दिया निकाल दिया, यहां हो गया फ्री रेडिकल आपस में जोड़ दिया। अब ये स्ट्रक्चर कहीं है नहीं है, तो कहां दिख रहा है 2 कार्बन बगल में 2 2 कार्बन, 2 कार्बन बगल में 2 2 कार्बन। अरे बोलो, कई बच्चे इस पर मैसेज कर दिए सर ये वाला आंसर और ये आंसर हो गया। अब तुम खुद ही गौर करके देखो भाई, ये है इसका नाम लिखते तो बाईसाइक्लो 2 2 0 हेक्सेन, इसका नाम लिख लो बाईसाइक्लो 2 2 0 हेक्सेन, एक ही बात तो है। हाँ Mg1 equivalent, तो Cl CH2 CH double bond CH CH2 MgCl plus और ये minus, ये इधर ये बाहर, क्या हो गया CH2 double bond CH CH double bond CH2। ये तो इसलिए नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, तो आंसर क्या हो गया हाँ। बोलो बेटा हाँ, CH3NH2HNO2 के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल हैलाइड ONO कई चीजें बनाएगा, CH3NH2HNO2 हो या NO2HCl है, तो ये बन गया CH3N2 plus minus N2 CH3 plus OH minus अटैक हो गया, क्या हो गया CH3OH, ठीक है ना। लेकिन ये CH3OH इसके साथ अटैच, तो CH3OH plus CH3 और क्या हो गया माइनस एच प्लस, तो सुनो ना बनने को तो एल्कोहल भी बनेगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछा, एल्कोहल ही बनेगा, ONO भी बनेगा, Cl भी बनेगा क्योंकि ये NN2HCl से बना हुआ है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ईथर इज द मेजर प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, खोद खोद के इधर उधर से चीजें ला के आपको परोस दिया गया, डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेंगे, डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो जल्दीबाजी में गलत, हाँ किसी को लैंग्वेज ऐसे लिख दे व्हेन मिथाइल एमीन HNO2 के साथ, कॉन्सेप्ट तो यहां से पकड़ में आ जाए, ठीक है ना, लैंग्वेज से लिख दे सकता है नीट वाले। हाँ इस चैप्टर का सबसे टफ मान लो, बेहतरीन मान लो, कॉन्सेप्चुअल मान लो, जैसे भी है, देखो ये है कहानी, H2CrO4 1 डिग्री को एसिड, 2 डिग्री को कीटोन और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन यहां देखो एक कहानी है बहुत अच्छी, OH2 प्लस और इसको हम ऐसे लिखा है, अगर यही डबल बॉन्ड नहीं होता लिख देते नो रिएक्शन, लेकिन अब ये क्या हो गया प्लस OH माइनस, यहां क्या हो गया OH, अब इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं
बोलो बेटा, अब इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्या बन गया? कीटो। ये हो गया, कौन सा आंसर? देख लो क्वेश्चन, देख लिया? अब देखो कौन सा आंसर होगा सेकंड। तो 100 क्वेश्चन आपके होंगे, आगे चलते हैं। हाँ लिख लो, हेलो H2PD होता है, यही C नहीं होता, केवल H2PD होता तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता और C डबल बॉन्ड O को भी करता, बट लिखो H2PDC ये सेलेक्टिव रिडक्शन होता है C डबल बॉन्ड C का। PMT में आया क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, इसलिए इसको दिया हमने, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है C डबल बॉन्ड C का। तो यहां आया कौन सा है साहब? साहब ये आया इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिए। तो सिलेक्टिव रिएक्शन किसका होता है? सी डबल बॉन्ड सी को, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को चेक टच नहीं करेगा, तो आंसर इज सेकंड। हां यही H2PDC होता देन आंसर इज थर्ड, H2PD होता सिर्फ देन आंसर इज थर्ड। बोल लियर बाबू, क्लियर? नेक्स्ट Pi2, यहां बन गया CH3 CH2I, AgNO2 CH3 CH2 NO2 OH N डबल बॉन्ड O, यहां से क्या निकाल देंगे? H2O, यही बन जाएगा आपका नाइट्रोलिक एसिड। और फिर हेलो अब ये कौन सी रिएक्शन का है? विक्टर मेयर टेस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RBW या C, इसको RBW टेस्ट या RBC टेस्ट भी कहते हैं। 1 डिग्री यहां तो नाइट्रोलिक एसिड H2O निकल गया यहां से, नाइट्रोलिक। हाँ यहां पे एक बार और क्वेश्चन कि कौन HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे दिया था NO2, ऐसे दिया था NO2 और ऐसा कुछ दिया था NO2, तो 3 डिग्री HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, ये ऐसे पूछ ले तो ये भी जोड़ दिया, उसके चारों बातें हम कर लेते हैं। हाँ यही 2 डिग्री एल्कोहल आता हुआ आता तो आंसर होता स्यूडो नाइट्रो। बोलो स्यूडो नाइट्रो। तो कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसमें कई क्वेश्चन आपके साथ जोड़ते, ठीक है। फिर आगे NMH डाल देते तो रेड कलर आता, फिर 2 डिग्री लेते आगे NMH, सब प्रोसेस वही चलती। 3 डिग्री में क्या क्वेश्चन पूछा गया वो बता दिया। बोल बेटा, हाँ ये भी दिया गया है क्योंकि यहां पे एक बार आया था जिसमें उसने धोखा नहीं दिया, क्योंकि एग्जामिनर उसमें धोखा नहीं दिया था। CL हट के हमें ध्यान है वो दौर जब बंदना यादव सुमन चौधरी आया था, हमने पूछा कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, उसमें कुछ दूसरा था, यहाँ पे NO2 लगा हुआ था हमें ये, तो उसने कहा इसमें क्या था सर, CL हटाओ NH2 लगा दिया, तो वो इत्तफाक से उसका सही हुआ क्योंकि उनकी किस्मत सही थी, उनको लेडी हॉर्डिंग में जाना था इसलिए उनका सही हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा हर जगह होता नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिखा है। क्या है क्वेश्चन? यही है, ये है क्वेश्चन, CL है CH3 है और यहां दे रखा है NH2, ठीक है। तो यहां देखो Na प्लस NH2 माइनस H यहां से निकाला और ये कुछ यूं बन गया, ये बन गया कुछ यूं, इसने इधर दिया ये बाहर, तो यहां हो गया ट्रिपल बॉन्ड और ये CS। अब NH2 माइनस अटैक करेंगे तो यहां पे CH3, एक बार यहां माइनस, एक बार NH2 यहां और एक बार CH3 NH2 यहां लगा दिया और माइनस यहां, दोनों माइनस यहां। अब हाँ अब देख लो यहीं पे कौन सा कार्बन आयन मोर स्टेबल है, कौन सा कार्बन आयन मोर स्टेबल, ध्यान सुनो। अगर NO2 यहां, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं देखना है, केवल ओनली प्लस आई माइनस आई देखना है इस क्वेश्चन में। CH3 कैसा काम करता है? प्लस आई, NO2 होता तो माइनस, NO2 होता तो ये वाला स्टेबल होता, लेकिन CH3 है तो प्लस आई से जितना दूर कार्बन आयन होगा ये माइनस चार्ज है,
प्लस आई से जितना दूर होगा माइनस चार, स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो प्लस आई से दूर कौन सा है? प्लस आई से दूर ये है, ये कार्बन आयन मोर स्टेबल है, तो यही क्या लगा देंगे H प्लस, तो CH3NH2, तो ये आपका क्या हुआ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो वहां इत्तेफाक ये था कि जब ये क्वेश्चन आया था तो यहां पे NO2 था तो Cl हट के NH2, लेकिन यहां Cl हट के NH2 नहीं लग रहा है, यहां आंसर कौन सा होगा ये वाला, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखना, पहले एक बार इसको देख ही लो क्योंकि इसकी मैकेनिज्म लिखी, देख लिया, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, हाँ इस क्वेश्चन का भी हमें इंतजार कैसे था, यहां पे एक कार्बन और बढ़ा के एक बार पीएमटी में आया हुआ है, यहां हमें सिंपल सा क्या करना है HBr निकालना है। तो देख बेटा, एक बार Br यहां से, H यहां से, एक बार Br यहां से, H यहां से, एक बार Br यहां से, H यहां से, यही बात तो है। तो यहां एक बार तो बन गया ये, सही है, और एक बार दूसरा वाला कौन सा वाला, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, और एक बार कौन सा हुआ ये बेटा। अब देख, ये कोई GI शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा, तो केवल एक ही, लेकिन ये GI शो कर जाएगा यहां दो, ये भी GI नहीं शो करेगा वन, आंसर इस फोर। सिंपल HBr निकालना है, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह इसमें नहीं करना, ठीक है, एल्कोहलिक की वजह से, ठीक है ना, R1 होता तो एक बार को सोचते ही, यहां कुछ नहीं करना आपको, और वैसे भी 6 ग्रेडिंग दे रखी है तो कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सीधे एक बार BrH यहां से, BrH यहां से, BrH यहां से, ये हो गया काम। बोलो नेक्स्ट बात करें, हाँ ये वही क्वेश्चन है एल्कोहलिक की वजह, F वाला कह रहे थे ना इसलिए इसको दिया है। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां H3 हाइड्रोजन, ये इसको दिया, F बाहर, इवन CV रिएक्शन, HBr R2O2 डबल बॉन्ड के क्रॉस Br वहां लगाएंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, तो क्या बन गया CH3 CH2 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 Br, वन ब्रोमो ब्यूटेन, आंसर इज सेकंड, क्या हो बेटा वन ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है नेक्स्ट। बहुत बेहतरीन घुमाया, प्लस और ये माइनस, H प्लस यहां गया तो ये सिंपल ये बन गया, सीधे बेंजीन पे इसको टिकाया तो क्या बन गया बेंजीन CH CH3 CH3, यहां O2 तो क्या बन गया CCH3 CH3 O OH। अब देखो लो H प्लस ले जाओगे, ध्यान से सुनना, H प्लस ले जाओगे OH2 प्लस, ठीक है ना, H2 निकल गया, यहां क्या हो गया प्लस चार्ज, लिख दे क्या है? अब आगे H प्लस दे रखा ना, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CH3 CCH3 बेंजीन, और यहां क्या हो गया O प्लस, बेंजीन यहां माइग्रेट तो CH3 C CH3 प्लस चार्ज और O ये बेंजीन, ठीक है ना। बोलो अब यहां क्या अटैक होगा OH माइनस तो CH3 CCH3 OH, ये हो निकल गया H इसके पास, एसीटोन और फिनोल बन गया। खैर लेकिन हमसे वो पूछा नहीं, हमसे तो पूछा है ये इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, फेमस रिएक्शन यहां। हेलो कैसे अपने सोच बदल रहे हैं, आया क्या हुआ है बेंजीन CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3, उस साल की कॉपी से सीधे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक साथ कॉपी में होंगे, CH2 Cl को दे रखा है, फिर आगे O2 डायलो एस्टोस और पूछा गया फिनोल बनेगा एसीटोन बनेगा क्या बनेगा, वो तो हमने लिख दिया वहां पे, हाँ इसको चाहो तो देख लो ऐसे, ठीक है उसी के साथ ही, हाँ लेकिन इसमें पूछा है कि बी क्या बनेगा, तो बी बेटा बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, ठीक है, यहां एसीटोन हो गया ये ओ बाहर एच इसके साथ चिपक जाएगा फिनोल बन गया, तो फेमस रिएक्शन है, ठीक है देख लिया। बोलो
बेटा बढ़िया काम करना है यार, मजा आ जाता है। अगला 107 सिंपल देखो, ये एक जगह क्वेश्चन दिया है, ये निकाला प्लस माइनस प्लस, कितने रिंग बन गई बेटा, 5 की 6 में बेंजीन। अब Cl2 LCl3 सीधे यहां क्या बना, Cl प्लस, इस पे टिका दिया, आंसर क्या होगा सेकंड, समझ गया ना, 5 की रिंग 6 में बेंजीन बन गया, Cl2 AlCl3 Cl प्लस AlCl4 माइनस, सीधे Cl प्लस Cl चला गया, बन गया आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखो इधर C6H5 ONgBr, ठीक है, माइनस प्लस डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है तो यहां बन गया फिनोल, जिंक डस्ट क्या बन गया बेंजीन, ZNO निकल गया प्लस ZNO, बोलो ठीक है। नेक्स्ट बेहतरीन बात, नाम दे दिया है, कैसे नाम लिखोगे, पहले सब कार्बन ऑक्सीजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे क्राउन, हेलो हिंदी मीडियम बच्चों, क्राउन को ताज मत लिख देना, क्राउन ही रखना, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, इसका नाम क्या है 12 क्राउन 4, ऐसे 18 क्राउन 6 भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी लिखा फिनॉल वाली जिंक डस्ट क्या हो गया बेंजीन, और सिंपल AlCl4 माइनस CH3 हो गया तो बेंजीन के ऊपर क्या CH3 प्लस CH3 टिका दिया, क्या बन गया टोलुइन। हाँ आगे फिर दे रखा है Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा CH2CH, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा थर्ड। इसके देख इसकी ट्रिक बता दे, देखो जरा कहीं भी ऐसे हो RCOOR और CH3MgBr एक्सिस में, क्या हो एक्सिस में हो, ध्यान से सुनना, वैसे तो ले जाओगे माइनस प्लस माइनस देगा, OR बाहर कीटोन बन जाएगा, फिर रिएक्शन करोगे एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन तेजी से करना है तो प्लस और ये माइनस, और यहां देखो R ये फिक्स रहेगा, ये किस में जाएगा OH, और X बार बार कौन जाएगा CH3, मतलब इसका आंसर सीधे हम लिख दें तो OH, यहां CH3 और यहां क्या हो गया CH3, जैसे इस क्वेश्चन की है, क्या जा रहा है प्लस और माइनस, C6H5 जा रहा है एक्सिस में है तो CH3CH2 ये तो रहेगा फिक्स, COH हो जाएगा, यहां क्या करोगे C6H5 C6H5, बोलो आंसर इज फर्स्ट, बोल वे, हाँ सिंपल प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, प्लस के साथ माइनस CH4 प्लस CH3 COMgCl, आंसर इज फर्स्ट, देखो सिंपल से एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, HI एक्सिस ठीक है ना, तो बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, लेकिन फिर HI दे रखा है तो यहां से H2O निकल गया, क्या बच गया C2H5I प्लस CH3I, ऑप्शन में C2H5I दे रखा है CH3I दे नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन, कहा था ना BH3 से H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, तो यहां D है तो D चला जाएगा, यहां चला जाएगा OH, तो कौन सा है D, और यहां चला गया OH, एंटी मार्कोनी का फ्लूइड, कोई रीअरेंजमेंट इसमें आपको नहीं, ठीक है। नेक्स्ट LiLS4 NaBH4 से स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड को एल्कोहल में चेंज करता है, एस्टर को भी चेंज करता है, तो कीटोन एल्डिहाइड को तो करेगा ही ये, और यहां क्या हो गया CH2OH, आंसर इज फर्स्ट, बोलो LiA, इसकी मैकेनिज्म लिख देते हैं, डबल बॉन्ड हो LiAlD4, ये माइनस और ये प्लस, यहां से क्या जाएगा डी माइनस, यहां हो गया ओ माइनस और यहां क्या हो गया डी, अब डी प्लस ओ डी माइनस, यहां से क्या जाएगा डी ओ डी और यहां डी सेकंड, बोलो ठीक है। नेक्स्ट देख लिया डियर, आ ओ आ गया ना
CS डबल बॉन्ड NH, NaBH4, CS डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन नहीं करेगा, लिख लेना फिर, C ट्रिपल बॉन्ड N का नहीं करता है लेकिन CS डबल बॉन्ड NH का करेगा, और ये आंसर हो जाएगा CH3 CH2 NH2 डबल बॉन्ड तोड़ा HH, वही लिखो C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है, बेहतरीन बात, आ सकता है बेटा, छोटी सी बात लेकिन आ सकता है। इथेनॉल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, बोलो, सोडियम रिएक्शन कर लेता है दोनों के साथ, पोटेशियम कर लेता है, NH2 भी कर लेता है, FeCl3 फिनॉल के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर, लेकिन एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं करता, हाँ इनॉल होता तो कर लेता है, ये कर लेता है, लेकिन फिनॉल करेगा एल्कोहल नहीं करेगा, तो इसको FeCl3 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो आंसर FeCl3 इज बेस्ट आंसर। हाँ ऑक्सीडेटिव ऑटोनोसिस, हाँ देखो इसकी ट्रिक बताते हैं, ऑक्सीडेटिव ऑटोनोसिस सेम रिडक्टिव ऑटोनोसिस की तरह, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ लगाओ, काटो और लगाओ, क्या करना है, काटना है और लगाना है, लेकिन अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको एसिड में चेंज कर दोगे और कीटोन को टच नहीं करोगे, आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, CHO, ये दोनों एल्डिहाइड है, किसमें चेंज हो गया, एसिड। बोलो भाई अगली बात, बोलो करें आगे, लास्ट क्वेश्चन की बात, ये हो गया ना, नाम आप ओम्स गैप से इसको नाम सेट कर लेना, हाँ इस क्वेश्चन के पीछे क्या दिया, देखो जरा, एक बार एक रिंग में डबल बॉन्ड दे रखा था, CL दे रखा था, वहां NBS दे रखा है, NBS का काम भी डबल बॉन्ड के ठीक बगल में H हटा के BR लगाना है, ब्रोमो CL2H वही काम वहां, लेकिन नीचे लिख रखा था H2O K2Cl, जो एक्वस क्यूएस करता है वही बेटा H2O K2CO3 भी वही करता है, तो इसमें CH3 है, CS डबल बॉन्ड CH2 CL2 800 डिग्री सेंटीग्रेड CH2 CL CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां है H2O K2CO3, तो क्या बन जाएगा CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। तो ये बेहतरीन पार्ट आपका हुआ, काफी कुछ चीजें इसमें बताई गई, जो चीजें हमने वैसे ओरल बोला उसको आप स्टार बना के लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं, NCERT को काफी अब कवर किया गया, जो कहा हमने कि इसके अराउंड यहाँ पे ये पेज पे पढ़ना उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर भी काफी तरह आपका कवर हो गया, कोई टिक वगैरह लगने में इधर उधर हुआ हो तो उसको सही कर लेना, वैसे आंसर बोली दिया है, सही क्वेश्चन जो था करेक्शन हो गया। अब सुनो बात, अब पेपर तो NCERT से ही आना है, ठीक है ना, तो NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ना, जो उल्टा सीधा थोड़ा बहुत है वो आप लोगों ने कराई रखा है आपकी वीडियो में कॉपी में, वो सब चीजें हैं, यहाँ भी जो भी लग रहा था कि ऐसा होगा, जैसे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, काइनेटिक कंट्रोल, इन सब की बातें की, कुछ वो एल्कोहल की 3 डिग्री एल्कोहल की यहाँ ऑक्सीडेशन एक जगह करा के दिखाई कैसे रेजोनेंस के साथ, कुछ बातें जो ऐसी थी वो आप तक पहुंचा दी गई। अब बात आराम से कूल होके इसको करना, ठीक, कोई टेंशन कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पेपर जब भी होगा अच्छे से आप उसको करना, रेगुलर पढ़ते रहो, बस बात ये, ठीक है ना, रेगुलर पढ़ो अपना काम, रोज का रोज काम करते रहो, सेल से जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है उसको करो, ठीक है ना, अब वो आगे भी आपको बहुत सारे मटेरियल आप तक पहुंच जाएंगे जितनी आपको आवश्यकता होगी अच्छी रैंक के लिए, सेलेक्ट की नहीं, अच्छी रैंक की बात हो रही है, अच्छी रैंक समझ सकते हो आप CLC के लिए, अच्छी रैंक क्या है, Under 10, ठीक है ना, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करो और कोशिश करो जैसे आपकी स्टेमिना उसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते रहो तो अच्छा हो जाए, अब प्रत्याशित परिणाम भी आ रहे हैं बेटा, तो कोई भी थोड़ा बहुत आप लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो रही है लेकिन आप अभी से भी प्रयास एक बार रिवीजन सेट कर लोगे तो आप अच्छा कर लोगे, ठीक है, तो अपन CLC हमेशा आपके साथ हैं, आप अच्छा करो, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू डियर।